नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। तो दिल की बात है, और दिल और क्या चाहता है, बस थोड़ी सी खुशी और हंसी। फिल्मों में तो सबसे ज्यादा बात दिल की होती है। हम दोस्तों के साथ हों, परिवार के साथ हों, दिल ही तो है जो हमें गुदगुदाता है। फिर इस दिल के साथ ऐसा मजाक क्यों, फिर हम इसे सताते क्यों? यहाँ तो जिस खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी खबर है। इस खबर को देखने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से वादा करेंगे कि आप अपने और अपने परिवार के दिल की सेहत का ख्याल जरूर रखेंगे। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, और देश में जिस तेजी के साथ दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है। एक तरफ देश के युवाओं में नशे की आदत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ तनाव टेंशन शहरों में रहने वालों की धड़कनों को बढ़ा रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। भागती दौड़ती जिंदगी और टेंशन के बीच अपने दिल को सेहतमंद रखना आज किसी चैलेंज से कम नहीं है। दिल वालों की दिल्ली नहीं, अब दिल की मरीज दिल्ली कहिए। आमची मुंबई नहीं, हाफती मुंबई कहिए। हैदराबाद हो, दिल्ली या मुंबई, हर शहर के आंकड़े डरा रहे हैं। ईसीजी के चार्ट पर हर किसी की हार्ट वाली लाइन गड़बड़ा चुकी है। ना तो दिल्ली का दिल धड़क रहा है, ना मुंबई धक धक कर रही है। सबकी धड़कनें काबू से बाहर हैं, और इमरजेंसी वाली हार्ट बीट्स कभी भी थम सकती है, इसीलिए सावधान होने का वक्त आ गया है। यह हार्ट अटैक का वो अलर्ट है जिसके खिलाफ एक्शन लेकर आप बच सकते हैं। दिल्ली वालों में कसरत ना करने की आदत और बढ़ता मोटापा दिल से जुड़ी बीमारी को न्योता दे रहा है, तो मुंबई वालों में ज्यादा स्ट्रेस और नींद की कमी दिल की बीमारियों की वजह बन रहा है। हैदराबाद में भी मोटापे को हार्ट रिस्क की सबसे बड़ी वजह माना गया है। शहरों में रहने वाले 64% लोगों में हार्ट रिस्क की बड़ी वजह गलत लाइफस्टाइल है। डॉक्टर्स के मुताबिक आज के दौर में दिल के बीमारी की सबसे बड़ी वजह है लाइफस्टाइल, जंक फूड, ब्लड प्रेशर, आराम तलबी और डिप्रेशन। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यूज हार्ट, आपने सुना होगा, यही आज का मैसेज है सबको। यूज हार्ट क्यों? यूज हार्ट तो एक तो अपने लिए यूज कर सकते हो कि जी मेरा दिमाग है। डॉक्टर यादव ने अभी बताया कि क्या क्या चीज़ें से हार्ट डिजीज प्रिवेंट होती है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है आप दूसरों की हार्ट डिजीज प्रिवेंट कीजिए। आपके इन्फ्लुएंस में कई लोग होते हैं, आपका परिवार होता है, आपके भाई बहन होते हैं, आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें कि आप यही बातें सबको सिखा सकते हो, सबको बता सकते हो, सबको वही मैसेज को एम्पलीफाई कर सकते हो। लाइफस्टाइल यानी हमारी खराब होती जा रही जीवन शैली, जिसमें जंक फूड, एक्सरसाइज ना करना, शराब और सिगरेट जैसी आदतें आती हैं। जानकार मानते हैं कि दिल की बीमारियों के खतरे पर पहुंचने के लिए 90% से ज्यादा योगदान इन्हीं खराब आदतों का है। दिल की बीमारी के लिए केवल हमारे जीन्स यानी अनुवांशिक संरचना का योगदान केवल 10% है। टीवी के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन पर रोजाना 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठे रहने वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा 80% से ज्यादा होता है। कनाडा में हुई एक स्टडी के मुताबिक जंक फूड, ज्यादा नमक और तेल वाला खाना खाने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा 35% तक ज्यादा होता है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में 2016 से 2019 के बीच किए गए टेस्ट के आधार पर आकलन किया है कि दिल्ली में रहने वाले 10 में से 4 लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। मतलब साफ है कि हम खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं। यहाँ हम बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो बाहर का खाना वो हो जाता है कि आपको कंपलसरी है खाना। सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, एक दिन योगा करता हूँ 20 मिनट, साइकिलिंग करता हूँ, फिर एक दिन मेडिटेशन करता हूँ, साइकिलिंग रोज करता हूँ, कभी योगा कभी ध्यान, इस प्रकार से अपने हृदय का ध्यान रखता हूँ। पीने के लिए तो खास करके हम लोग मिडिल क्लास हैं तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते, बट हाँ एक्सरसाइज जरूर करते हैं। यानी हम जानते हैं कि हम अपने दिल के साथ दिल लगी कर रहे हैं, लेकिन ये सेहत बहुत भारी पड़ रही है। अब ये जानना और भी जरूरी है कि हमें क्या करना है जिससे दिल का ख्याल रखा जाए और बीमार होने से बचा जा सके। स्मोकिंग फौरन छोड़ दें, इसका कोई विकल्प नहीं है। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, फिर चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, जिम हो या फिर योगा, जो आपके शरीर और रूटीन में फिट बैठ जाए वो करें। नमक कम खाएं, इतना कम कि खाना फीका लगे। हरी सब्जियां, ताजे फल ज्यादा से ज्यादा,
जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम, और शराब से तो तौबा कर लें तो ही बेहतर। हो सकता है आपको दिल के डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना काल में दिल के मरीजों के लिए तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ी है। हम ऐसा क्यों कह नमस्ते साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस सूत्र कार्यक्रम में। और बहुत ही शानदार वीडियो भी जो है और उसका जो परिणाम निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि आए दिन सुनने में आ रहे हैं। परसों पहले दिन मेरी पूरी रात जो है वो हॉस्पिटल के अंदर निकली है। मेरा एक दोस्त है, उसके बड़े भाई शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, भजन संध्या में गए हुए थे, वहां आराम से भजन गा रहे थे, प्रभु के चरणों में बैठे हुए, अचानक से उनके पेन शुरू हुआ। रात को उनको लेकर के हॉस्पिटल भागे, मेरे को फोन पहुंचा, मैं भी पहुंचा और पूरी रात निकल गई और रात रात में उनके स्टंट भी डल गए और इतना जबरदस्त ब्लॉकेज डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन आजकल वस्तुस्थिति यही है, कब किसको क्या हो जाए मालूम ही नहीं और हम दिल के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज का जो ये विशेष सेशन जो सूत्र कार्यक्रम में रखा गया है वो यही कि कैसे हम हमारे दिल को जो है ठीक रख सकते हैं, और खासतौर से हमारे इर्द गिर्द जो इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां के रूप में औषधियां मौजूद हैं, हमारे घर के मसाले हैं, हमारे घर के अंदर बहुत सारा कुछ रसोई के अंदर ही है, दालचीनी है, कैसे हम इनका यूज करें, कैसे हम इन चीजों से जो है फायदा उठा सकते हैं, इसको लेकर के आज का ये सूत्र कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करूंगा एमडीसी डॉक्टर तारा प्रकाश तिवाड़ी को कि वो इस कार्यक्रम को शुरू करें और आप लोग अच्छी अच्छी जानकारी। तिवाड़ी जी, प्लीज जी। थैंक यू प्रीतम जी, एंड अगेन वेलकम ऑल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने एक वीडियो में देखा तो आज की तारीख में हमारी दिल की स्थिति बड़ी नाजुक है, राइट। तो हम आज इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हैं कि हम लोग जान पाए कि हमारे दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका कैसे हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। और अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया और जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या हो सकता है वो हमने अभी देखा। ये तो एक छोटा सा वीडियो मात्र था, लेकिन एक्चुअल में स्थिति और इससे ज्यादा गंभीर है। भारत में आज के तारीख में 24 लाख लोग 24 लाख पीपल एक साल के अंदर मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक होने की वजह से। चिंता का विषय यह है कि पहले यह हार्ट अटैक की प्रॉब्लम 50s के बाद में आया करती थी, 50 to 60 years, 70 years या इससे अबाउट में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी परसेंटेज वाइज। लेकिन आज की तारीख में चिंता का जो सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि भारत में आज जितने हार्ट अटैक आते हैं उसमें 50% से ज्यादा लोग बिलो 40 है। 19 साल के बच्चे को अभी गुड़गांव में हार्ट बाईपास सर्जरी करी गई थी, तब भी ये बात चली थी कि 19 साल के बच्चे को बाईपास सर्जरी की क्यों जरूरत पड़ रही है। आप सोच के देखिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी फैमिली में। इवन हो सकता है कि हमारे से पहले हमारे बच्चों को कार्डिक अरेस्ट आ जाए, कार्डिक प्रॉब्लम आ जाए, और ऐसा हो रहा है, मैं उसको देखते हुए बात कर रहा हूं। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा दिल के मरीज रहते हैं जिनको दिल की समस्याएं हैं, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है, बाकी तो दिल के और बहुत सारे मरीज हैं, उनकी संख्या मैं नहीं शामिल कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मैं बात कर रहा हूं। और चिंता का विषय और ये ज्यादा हो जाता है कि ये जो ग्रोथ है, ये जो 3 करोड़ लोग दिल के मरीज भारत में रहते हैं, इनकी संख्या 20 to 30% की ग्रोथ से बढ़ रही है, 20 to 30% ये ग्रोथ हो रहा है। अगर यही रहा जो हो रहा है, जैसे कहा जाता है कि हम जो कर रहे हैं वही करते रहे और उसमें चेंज नहीं किया, तो आज के कुछ सालों पहले बोलते थे 10-15 साल पहले कि भारत के अंदर करोड़ों लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित होंगे और आज 3 करोड़ लोग हैं, और इसी रफ्तार से ये 30% की ग्रोथ से बढ़ते रहे
तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो 2 लाख बाईपास सर्जरी अभी फिलहाल होती है हर साल, और जरूरत एक्चुअल में 6 लाख लोगों को है, राइट। तो सोच के देखिए जो गैप है, भारत की कितनी भी बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज को इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि जिन सारे लोगों को हार्ट बाईपास की आवश्यकता है उनको सबको ये ट्रीटमेंट मिल सके। इतनी मेडिकल सेवाएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। जो राजीव भाई कहते थे, रास्ता ये है कि हमारे देश में बीमारों को ठीक करने से ज्यादा इस बात पे ध्यान देना होगा कि बीमारी हो नहीं या बीमारी की रफ्तार को कम कर दें, क्योंकि लगातार अगर रफ्तार बढ़ेगी तो उतनी मेडिकल फैसिलिटीज किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि एक फेमस कॉमेडियन जो थे राजीव श्रीवास्तव, जिन्होंने काफी हमारे देश को एंटरटेन किया, हम सब लोग जानते हैं, और हार्ट अटैक के आने की वजह से वो नहीं रहे। बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली फिट भी हैं, हालांकि फिटनेस बहुत जरूरी है हार्ट की समस्याओं से बचने के लिए, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, जो खेल कूद करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत ही जरूरी है और वो लाभदायक भी है। लेकिन हमारा भोजन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा सौरव गांगुली जो कि क्रिकेटर, फेमस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, बहुत ज्यादा फिट थे, और डेफिनेटली वो फिजिकली एक्टिव होंगे ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आया। यहाँ समझने वाली बात ये कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा भोजन। हम क्या खा रहे हैं और किस तरीके से उसको पचा रहे हैं, राइट। तो फूड का इंटेक बहुत खराब हो चुका है आज की तारीख में। हमारी पृथ्वी के ऊपर फिलहाल जो पूरी देश में या पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो पौष्टिक तत्वों की कमी हमारी जमीन में होती जा रही है। भारत में एक सर्वे हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, उसने एक सर्वे किया था 30 साल पहले भी, एक संस्था के माध्यम से उन्होंने सर्वे किया था, और 30 साल के बाद फिर से सर्वे किया। उस सर्वे में एक बात सामने आई कि 30 साल पहले हमारे जमीन की जो उर्वरक क्षमता थी और आज जो उर्वरक क्षमता है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो ये जो डिफरेंस है, ये उर्वरक क्षमता में लगातार कमी आई है, इसलिए थोड़ी देर बाद चलाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी हो रही है। कमी का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि पहले हम जनरली हमारी भाषा में बोलते थे या बोलचाल में बोलते थे कि 1 apple keeps doctor away, यानी कि 1 सेब अगर रोज खाते हैं तो डॉक्टर से जाने से आप बच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आप अगर असलियत देखेंगे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल में जो आयरन है ना, हम सब जानते हैं कि एप्पल में आयरन होता है, तो 30 साल पहले जो आयरन होता था और आज जो आयरन है उसमें 70% की कमी आ गई है। क्या आप इस चीज को सीरियसली समझ रहे हैं? 70% की कमी आ गई है पौष्टिक तत्वों की। हमारी दाल में प्रोटीन 17-18% कम हो गया है, हमारे पालक में आयरन कम हो गया है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है, गेहूं में विटामिन बी जो पाया जाता था वो 30% तक कम हो गया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पहले से ही हमारी जमीन में उर्वरक क्षमता कम होने की वजह से अच्छे पौष्टिक तत्व कम हो गए। हमारी खेत में हम बहुत सारा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, राइट। इसके ऊपर से हम जो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं वो तो ये मान के चलिए कि एक है ना चिता में आखिरी लकड़ी रखने का काम हो रहा है। ऑलरेडी सारी चीजें हम अगर बहुत अच्छा खाएंगे भी, यानी कि रोज एप्पल भी खाएंगे, सलाद भी खाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, उसके बावजूद हमें बीमार होने का खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ेगी, क्या क्या रखनी पड़ेगी, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्यों सप्लीमेंट्स की आवश्यकता आन पड़ी आज के दौर में। बड़े बड़े साइंटिस्ट, पूरी दुनिया की साइंस, मेडिकल साइंस ये बोलती है। अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था तो ये वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में भविष्यवाणी को लेके कि आने वाले समय में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को अवेयर होना पड़ जाएगा और अवेयर हो जाएगी धीरे धीरे इन सब की वजह से, क्योंकि हम पीक पे आ चुके हैं। जैसे कोरोना हुआ तो अच्छे खासे लोग जो जिंदगी में कभी मास्क नहीं बांधते थे वो मास्क बांधने लगे, पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों ने मास्क बांधे, सोशल डिस्टेंसिंग भी लोगों ने थोड़ी पालन करी। जो जिंदगी में एक दिन में एक बार भी घर से निकलने के बाद, रात में एक बार वापस आने के बाद भी हाथ नहीं धोते थे, वो लोग भी दिन में 10 बार हाथ धोने लगे। तो आप समझ सकते हैं जब समस्या आती है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रेशर की वजह से वो ठीक होने लगती है। तो इन आधार पे मेडिकल साइंस और दुनिया भर के जो वेलनेस के एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि आपको आने वाले समय में दवाई की दुकान यानी कि मेडिकल स्टोर कम दिखेगा
आपको स्पा ज्यादा दिखेंगे, ब्यूटी पार्लर ज्यादा दिखेंगे, जिम ज्यादा दिखेंगे, आपको वेलनेस सेंटर ज्यादा दिखेंगे, योगा सेंटर ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरत हो जाएगी हर इंसान की कि वो इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल करे। सप्लीमेंट यानी कि फूड सप्लीमेंट, खाद्य संपूरक जो है, ऐसे प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है, जो जिनमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं है, और जो जैविक खेती से उगाए गए हैं, जो हमारे खाने में जो कमियां रह रही है उसको पूर्ति कर सके, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको संपूरक आहार या फूड सप्लीमेंट कहते हैं, इनकी डिमांड 2030 के बाद 70% की ग्रोथ से होने वाली है, ऐसे लोगों का जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं उनका कहना है। तो मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूंगा कि हम बहुत ही सही इंडस्ट्री में है, क्योंकि जिसकी ग्रोथ सडनली कोविड से भी फास्ट होने वाली है, 70% ग्रोथ आने वाले समय में अचानक से एकदम से बढ़ेगी, और जो लोग आज वेलनेस को नहीं मानते हैं, सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, योगा नहीं करना चाहते हैं, मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, ये सब लोग भी जैसे आज हाथ धोने लगे हैं, सैनिटाइजर लगाने लगे हैं, मास्क पहनने लगे थे, वो चीज उनको भी करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट अस कम टू द टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है हमको कैसे अफेक्ट करती है, और एक्चुअल में हार्ट की प्रॉब्लम किस किस तरीके से होती है। तो थोड़े प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती हमेशा कि हम समझ पाए, अपने आप को अवेयर कर पाए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में बीमारियां कितने प्रकार की होती है। हम सब लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि बीमारियां मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। इन्फेक्शियस डिजीज, जो संक्रामक बीमारियां होती है, जो संक्रमण से फैलती है, यानी कि एक व्यक्ति में कोई संक्रमण है तो दूसरे में फैल जाता है, जैसे कि कोविड इसका उदाहरण है। डेफिशिएंसी डिजीज, किसी चीज की कमी होने की वजह से, जैसे आयरन की कमी से कुछ प्रॉब्लम हुई, कैल्शियम की कमी से हड्डियों की प्रॉब्लम हुई, आयरन की कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो गई, या फिर विटामिन B12 की वजह से आपको न्यूरो का प्रॉब्लम हो गया, यानी कि आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए, इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। हेरिडेटरी डिजीज, जो आनुवंशिक बीमारियां होती है, इसका कारण भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, यानी कि माता पिता के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से, चाहे वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की वजह से म्यूटेशन का कारण हो या और कोई कारण हो, तो ये जो है आनुवंशिक बीमारियां कहलाती है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि कोई बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हैं, इस तरह की बीमारियों को फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये बीमारियां हैं। लेकिन इनमें भी जो खासकर मेन दो वर्ग अगर माना जाए बीमारियों का, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक बीमारियां जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, यानी कि संचार वाली बीमारियां। आज हम संचार के साधन जैसे टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेबल डिजीज वो है जिनको संचारी बीमारियां भी बोलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो कि संचारित नहीं होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे हार्ट की बीमारी किसी को है, आपके पड़ोस में कोई बैठा है पास में, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको डायबिटीज है तो उसके पास में बैठने से डायबिटीज नहीं होगी, लेकिन आपको जुकाम है या कोई ऐसी स्किन डिजीज है जो कि संक्रमण से फैलती है तो वो फैल सकती है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब इन जो बीमारियां हैं, हम खास रूप मुख्य रूप से आज बात करेंगे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि गैर संचारी बीमारियां, जिनको जीवन शैली जनित बीमारियां भी बोलते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का डिजीज है, ब्रेन के न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, ओबिसिटी है, अस्थमा है, ये सब हमारे लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं, जीवन शैली जनित बीमारियां हैं। इनको हमारी अच्छी जीवन शैली से मेरा मतलब है कि सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, थोड़ा योगा व्यायाम करना, फिजिकल एक्टिव रहना, स्ट्रेस को कम करना, फूड सप्लीमेंट को लेना, ये सब अच्छी लाइफस्टाइल के पार्ट है। सुबह उठ के पानी पीना, सुबह उठ के आंवला पीना, एलोवेरा पीना, ये सब लाइफस्टाइल है, राइट। अपनी जीवन शैली को कैसे आप सुधारते हैं। अब इन जो बीमारियां हैं जो जीवन शैली जनित, इनके जो कारण है, वो कारण जैसे मैंने बताया, पुअर न्यूट्रिशन, खराब पोषण, अगर आप पोषण ठीक से नहीं ले रहे हैं तो ये जीवन शैली जनित बीमारियां ज्यादा होती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कम आप एक्सरसाइज करते हैं, नींद ठीक से नहीं लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, और अल्कोहल का कंजप्शन, इस तरीके की जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर समस्याएं हैं जीवन शैली की, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, राइट। इसमें उदाहरण की मैं अगर पहले भी बता चुका आपको, क्रॉनिक लंग डिजीज, यानी कि श्वास से संबंधित बीमारियां हैं, कैंसर है, डायबिटीज है,
और कई प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक, ये मुख्य रूप से जो है जीवन शैली जनित बीमारियां हैं, राइट। इनके कारण हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्ट्रेस है, पुअर डाइट है, हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं। अब जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं इनके कारण क्या क्या हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, लेकिन कुछ के उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ। हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने की वजह से, अनहेल्दी फूड खाने की वजह से, अल्कोहल या दूसरे जो इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, वो भी आज हम लोग बात करेंगे, वो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्ट्रोक है, यानी कि सडनली हार्ट का बंद हो जाना। मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज है, फेफड़ों का कैंसर है, अल्जाइमर है, गठिया है, अस्थमा है, आपके लीवर के प्रॉब्लम्स हैं, कोलाइटिस है, मेटाबॉलिज्म के जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पाचन से रिलेटेड, किडनी का फेलियर है, ऑथराइटिस है, साथ में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के जितने भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी है महिलाओं को, डिप्रेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये जीवन शैली जनित बीमारियां हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन बीमारियों की वजह से इनको ठीक करने की लागत, इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आई, हार्ट अटैक आ गया, तो मान के चलिए कि हॉस्पिटल जाते टाइम 5-6 लाख रुपए आपकी व्यवस्था आपको कर लेनी पड़ती है, राइट, आप समझते हैं जनरली। लेकिन इसको रोकथाम करना, प्राथमिक रूप से इसको रोक लेना ज्यादा आसान होता है, वहां इतने पैसे नहीं लगते, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, और उसके बावजूद कितना भी पैसा हो, राजीव श्रीवास्तव जी जैसे लोग जिनके पास बहुत पैसा था उनको भी नहीं बचाया जा सका, तो आम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। गैर संक्रामक जो रोग हैं जिनको NCD भी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, NCD शब्द आप बार बार आगे सुनेंगे, इसको शॉर्ट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या जीवन शैली की बीमारी बोलते हैं। इससे, इस तरह की बीमारी से 45 मिलियन जो लोग हैं इनकी जान चली जाती है पूरी दुनिया के अंदर, 45 मिलियन हर साल। ये लगातार, मैंने कहा ये लगातार बढ़ रहा है 20-30% की रफ्तार से। दुनिया में जितनी मौतें होती है, जितने लोग मरते हैं, उसका 75% मौतें जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या जीवन शैली जनित बीमारियां, जिन बीमारियों का हमने नाम लिए, ये इनकी वजह से होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं WHO के अनुसार। अब सबसे बड़ी और जो चिंताएं हमारी बढ़ाती है वो ये बढ़ाती है, WHO ऐसा बोलता है कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या जो ऐसे देश हैं जहां पे निम्न और मध्यम आय वाले जिनकी इनकम कम है, पहले ये पैसे वाले लोगों की बीमारियां होती थी, आज की तारीख में जो ये गरीब लोग हैं, निम्न आय वाले लोग हैं, इनकी मौतें सबसे ज्यादा हो रही है इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, राइट। और इसकी वजह से ये जो दुष्चक्र है, क्योंकि पहले से उनके पास गरीबी है, पहले से पैसा कम है, मिडिल क्लास से ऑलरेडी महीने को 20-30 हज़ार कमाता है, और उसके परिवार में एक आदमी को भी हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो कई साल का कर्जा और उसकी जीवन शैली को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है और उसकी इनकम लेवल को कम कर सकता है। और ये बोला जाता है कि गरीबी का एक दुष्चक्र चालू हो जाता है, जो कि फिलहाल मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ये WHO का मानना है। 2015 में $236 मिलियन से ज्यादा का खर्चा सरकार को करना पड़ा, भारत सरकार को, इन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के इलाज करने की व्यवस्था करने में। 2017 में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, इसमें बताया गया कि भारत में 62% जो लोग हैं, वर्ल्ड वाइड 75% और भारत में 62% लोगों की मौत इन सब प्रॉब्लम की वजह से होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉमनली, इसमें क्या क्या बीमारियां इंक्लूड है, इंक्लूड था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, CVD जिनको बोलते हैं, बहुत तरीके के कैंसर, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है और सब तरह के कैंसर। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 17.9 मिलियन जो लोग हैं 2016 के अंदर, वो भारत के अंदर इनकी डेथ हुई, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया, 75% लोग जो है निम्न और मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं वो इन चीजों से प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में विशेष रूप से युवा आबादी इन मौतों का 1/5 हिस्सा है। जितने लोग मर रहे हैं इसमें से जो है, सिर्फ भारत में जो टोटल मौतें हो रही है पूरे विश्व में, उसका 1/5 हिस्सा तो भारत के जो युवा वर्ग हैं उनकी ये हो रही है। इस वजह से ये समस्या और भी चिंता का विषय है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हृदय जो रोग हैं,
हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 40 to 69 ईयर के जो लोग हैं इसमें 75% मौतें इस एज ग्रुप में हुई है, 45% जो डेथ है वो इस तरीके के जो युवा वर्ग है उनमें ज्यादा हो रही है। देश में हर साल करीब 6 लाख अपनी जान गंवा देते हैं। आप सोच के देखिए कि कितना कहना क्यों बहुत आसान है, लेकिन ये 6 लाख घर जिनके यहाँ लोगों की मौत हुई है उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। इनके जो जोखिम के कारण है वो कारण है कि बढ़े हुए रक्तचाप, अगर आपका बीपी लगातार बढ़ा रहता है, आपका शुगर बढ़ा रहता है, लिपिड प्रोफाइल, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है ये सब बढ़े रहते हैं, और मोटापा, ये इसके जोखिम के कारण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के। यानी कि इन 4 समस्याओं पे आप नियंत्रण कर लें तो हार्ट की समस्या ऑटोमेटिकली आपकी बच सकती है। और रिस्क फैक्टर क्या क्या है, रिस्क फैक्टर की हम बात करें जो कि इस समस्या को बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि वही ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग की जो समस्या है वो भी इस फैक्टर को बढ़ाती है, राइट। लोग फल सब्जियां कम लेते हैं वो भी समस्या को बढ़ाता है, डायबिटीज जो है वो इस समस्या को बढ़ाता है। और इंडिया में अगर बात करें तो एवरी 10% एज 18 ईयर हैज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब आप समझ के देखिए ये जो डेटा है कितना खतरनाक है कि अगर हम लोग भारत में 18 साल से कम उम्र के लोगों को देखते हैं तो 1 में से 10 व्यक्ति 18 साल से कम, मतलब वही समझिए तो यंग एज में भी शुरुआत भी नहीं हुई है और उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। देयर वर मोर देन 73 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया इन 2007 विच इज द हाईएस्ट इन कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। 2017 में जितने भारत में डायबिटीज के रोगी मिले हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा थे, इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत दुनिया का पहला नंबर 1 देश बन जाएगा डायबिटीज में। अभी नंबर 2 है लेकिन 2017 में हमने दुनिया को पछाड़ दिया था, इसमें सबसे आगे हो गए थे। डायबिटीज बर्डन कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बाय ब्रिंगिंग बिहेवियर चेंजेस विच फेवर हेल्दी बैलेंस डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। डायबिटीज की समस्या को कम किया जा सकता है लगातार प्रॉपर एक्सरसाइज करने से और बैलेंस डाइट लेने से। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की भी बात करें तो लगातार ये बढ़ रहा है। दिस बर्डन इज एक्सपेक्टेड टू रेज ओवर 2 times, ये दुगना होने वाली है, फ्रॉम 118 मिलियन टू 213 मिलियन बाय 2025। 2025 तक 213 मिलियन लोग जो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हो जाएंगे, और 29% जो स्ट्रोक आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, वो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसी तरीके से ओबिसिटी, मोटापा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा समस्या है हमारे देश की। जितने लोग मोटे होते जा रहे हैं उतना ये हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना ज्यादा है। ओवरवेट और ओबिसिटी इज सीन इन 30 to 65% ऑफ द एडल्ट अर्बन। शहर में रहने वाले 30 से 65% लोग आज मोटापे के शिकार हैं। और जब हम ओबिसिटी की बात करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है आपका, BMI के बारे में मैंने पहले भी बताया था जब मैंने वेट लॉस के बारे में बात करी थी, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा डिसलिपिडेमिया यानी कि आपका लिपिड प्रोफाइल, आपके लिपिड, ज्यादातर भारतीयों के अंदर लिपिड का जो एशियन इंडियंस है इंडिया में और एशिया के अंदर जो है ज्यादातर लोगों को लिपिड प्रोफाइल और ट्राइग्लिसराइड जो है उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। और इंडियन मेडिकल काउंसिल भी कहता है कि मोर देन 79% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन हैज एबनॉर्मलिटीज। 79% जो पॉपुलेशन है, एक डेटा इन्होंने स्टडी किया था, उस स्टडी में 100 में से 79% जो लोग ऐसे थे जिनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ था। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है ओबिसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि शुष्क, जो कम काम करने वाली जो लाइफस्टाइल है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और महिलाओं में ओबिसिटी भारत में ज्यादा बढ़ रही है। डाइटरी हैबिट्स, खाने की आपकी जो आदतें, जो पहले हमने वीडियो में भी देखी लोग क्या क्या चीजें खा रहे हैं, वो भी एक मेजर कारण है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब दिल की बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, ये PPT सारी मिल जाएगी आपको, तो आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। और आगे आपके डॉक्टर नेचर बिजनेस में प्रेजेंटेशन में आपको ये चीजें मदद करती है, आप ठीक से प्रेजेंटेशन कर पाते हैं लोगों के सामने कि क्या समस्या हमारे देश में, लोगों को हकीकत समझ में आती है तो समाधान के लिए आपसे मदद जरूर मांगेंगे। लक्षण क्या है दिल की बीमारी के, उच्च रक्तचाप। अगर किसी व्यक्ति का लगातार ब्लड प्रेशर 15 दिन तक
ऊपर चल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, किसी डॉक्टर नेचर के वेलनेस जो कोच हैं, डॉक्टर नेचर के एसोसिएट हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनके माध्यम से डॉक्टर पंकज से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी भी चिकित्सक से एक बार आप जरूर संपर्क करें। अगर 15 दिन तक आपका ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर बना रह रहा है तो संभावना है कि आपको जल्दी ही हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। उससे बचाव करने के लिए पहले से आप उपाय शुरू कर दें। क्या क्या उपाय हैं अगर बीपी बढ़ रहा है डॉक्टर नेचर में, वो आगे हम लोग जानेंगे। हाई ब्लड शुगर है, अगर लगातार आपकी शुगर लेवल बढ़ रहा है तो भी आपको हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। आप ये मत समझिए कि आपका शुगर लेवल है ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है और आप इसके लिए कुछ ना कुछ आप एलोपैथी मेडिसिन ले लेंगे और काम चलता रहेगा। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं और सडनली उनको रात में सोते सोते ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए आपको हार्ट के लिए भी समाधान ढूंढ लेना चाहिए अगर आपकी शुगर लेवल हाई है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल हम सब जानते हैं, हमारे डाइट में आज जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। हम लोग ऐसा फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर ये सब चीजें खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, समोसा, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसफैट खा रहे हैं हम जो, बहुत सारे लोग जो है तेल में दोबारा किसी चीज को फ्राई करके खाते हैं। स्पेशली दुकान वाले क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं तेल को, दोबारा से फ्राई करते हैं। ये सब चीजें हमारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हाई कोलेस्ट्रॉल करने के लिए। सीने में दर्द अगर आपको होता है, कई बार हम लोग इसको अनदेखा कर देते हैं कि गैस का होगा, एसिडिटी का होगा, लेकिन ये आर्टरी ब्लॉकेज के कारण हो सकता है। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, हो सकता है वो आपको हार्ट अटैक आने का सिम्टम हो। बहुत ज्यादा पसीना आना, अगर किसी व्यक्ति को अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, हो सकता है हार्ट अटैक ना हो लेकिन हार्ट अटैक का भी ये मेजर लक्षण होता है, जिसको इग्नोर ना करें। चक्कर आना, आंखों के सामने अचानक से आपके अंधेरा आ जाता है या बीपी लो हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आप डॉक्टर से पास जाके एक बार कंसल्ट कर लें, हो सकता है हार्ट अटैक का सिम्टम हो। गले और जबड़े में दर्द, यानी कि हमारे ये जो पोर्शन है नीचे का जबड़ा है, यहाँ अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये और भी कारण हो सकते हैं लेकिन ये भी एक हार्ट अटैक का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। उल्टी आ रही है, आपको एकदम से चिड़चिड़ापन आ रहा है, मतली जैसी आ रही है कि ना उल्टी जैसा मन कर रहा है, उल्टी हो नहीं रही है, तो ये भी एक एक्चुअल में सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक आने का, तो आप इसके लिए डॉक्टर को दिखा सकते हैं। पैरों में अचानक आपके सूजन आने लगी है, राइट, एकदम से आप रात में सोए हुए हैं, सुबह देख रहे हैं कि पैर आपके थोड़ी स्वेलिंग आ गई है, तो भी आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एक सामान्य लक्षण है हार्ट प्रॉब्लम आने के। अब ये तो चलो समस्याएं हैं और हम सब समझ गए हैं कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। लाखों लोग देश में जब मर जाते हैं ऐसी समस्या से, एज ए डॉक्टर नेचर हम क्या समाधान दे सकते हैं लोगों को, और सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि हम भी वही खाना खा रहे हैं जो राजीव श्रीवास्तव खाते थे, हम भी वही खाना खा रहे हैं, बल्कि उससे भी घटिया खाना खा रहे हैं जो सौरभ गांगुली खाया करते हैं या और बहुत सारे लोग जिनको हार्ट अटैक हुआ। हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम लोग सौरभ गांगुली की तरह 25-30 लाख रुपए दे सकते हैं हॉस्पिटल में? और मैं तो कहता हूं अगर दे भी सकते हैं तो क्यों दें? हमारे पास है गिलोई। सबसे पहले हम जानते हैं गिलोई क्या होता है। गिलोई को अमृता कहा जाता है और भारत में जब से आयुर्वेद की शुरुआत हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा, तब से गिलोई को जाना जाता है। गिलोई के बारे में बताया जाता है कि अमृत मंथन के समय कुछ बूंदे जो है अमृत की धरती पे गिरी थी और उनसे जो पौधे लगे, पृथ्वी पे सबसे पहला पैदा होने वाला जो पौधा था वो गिलोई है, इसीलिए इसको अमृता भी बोला जाता है, क्योंकि अमृत से ये पैदा हुआ हुआ पौधा है और इसीलिए इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको लगा भी देते हैं और इसकी जड़ भी काट देते हैं तो भी ये पौधा अपने आप आगे बढ़ता रहता है, बड़ा होता रहता है। गिलोई क्या क्या बेनिफिट करती है? गिलोई हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, आप देखते होंगे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर कोई जुकाम से रिलेटेड प्रोडक्ट है गिलोई होगा। कोविड में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल किया गया? गिलोई किया गया, राइट। तो गिलोई जो है हर चीज में काम आती है। किसी को मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, अगर दिमाग का कोई प्रोडक्ट आयुर्वेद में है तो उसमें गिलोई होगा। डायबिटीज का कोई प्रोडक्ट है तो गिलोई होगा। महिलाओं से संबंधित कोई प्रोडक्ट है तो गिलोई होगा। किडनी से संबंधित प्रोडक्ट है तो उसमें भी गिलोई होगा और लीवर की समस्याओं में भी गिलोई होगा। तो आप समझ सकते हैं कि गठिया की जो समस्या है, ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इन सब में गिलोई का उपयोग होता है। तो गिलोई एक बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के सभी राज्यों में हर कोने कोने में गिलोई उगता है। हम अपने घर में भी लोग मनी प्लांट लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि बॉटल में जो है मनी प्लांट लगा के रखते हैं। मुझे नहीं मालूम उस मनी प्लांट से कितना मनी आया,
लेकिन आप घर में गमले में गिलोय लगा के रख लें जो कि मनी प्लांट जैसा ही दिखता है, उसके पत्ते अगर आप लगा के रखेंगे रोज इसका डंटल एक छोटा सा टुकड़ा अगर तोड़ के और पानी में उबाल के चाहे चाय के साथ में, दूध के साथ में, कॉफी के साथ में या किसी भी चीज में, बहुत सारे महिलाएं स्मार्टली क्या करती हैं कि उसको उबाल लेती हैं और उसको पराठे में या रोटी में मिला देती हैं ताकि बच्चे भी उसको खा पाए, भाई थोड़ा सा मिला देंगे तो आसानी से चल जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा करने से फर्क पड़ता है, एक दिन में एक साथ करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समझे कि गिलोय की 4 लीटर 5 लीटर खा गए या पूरी बेल लगी हुई पूरी बेल को तोड़ के गाय भैंस की जैसे खा गए तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, राइट। आप एक बार जिम में गए और आप सारे आपने लगातार 8-10 घंटे जिम कर लिए, हो सकता है कि आप फिर उठ भी ना पाए, 8-10 दिन ना जा पाए, तो एक दिन करने से आपके मसल्स नहीं बनेंगे। और एक दिन में कोई खराब चीज खाने से, यानी कि आपने पिज्जा खा लिया, अगर महीने में एक बार दो बार इवन 3 बार भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार करेंगे, कभी आपने देखा है किसी ने पिज्जा खाया और पेट बाहर आ गया हो, या कभी आपने किसी को देखा है किसने एक थोड़ा सा शराब पिया है, 30 ml शराब पिए और पता चले कि उसको एकदम से लीवर फेल हो गया, या किसी ने जिंदगी में एक बार सिगरेट पी और उसने सिगरेट पिया और हार्ट अटैक आके मर गया? ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज से अच्छी या बुरी चीज का प्रभाव लगातार करने से होता है, और ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू होती है कि एक बार जूम मीटिंग अटेंड करने से, एक बार किसी चीज में आने से, एक बार डायरेक्टर क्वालिफाई होने से, एक बार रूबी क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होता, लगातार करना पड़ता है किसी भी अच्छी और बुरी चीज, तभी उसका प्रभाव परमानेंट होता है। तो गिलोय हमारे क्या क्या फायदा करता है? लोअरिंग द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द लीवर, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है और लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में गिलोय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंटी ऑक्सीडेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा होते हैं तो फ्री रेडिकल्स का प्रभाव को कम करता है और लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। लीवर हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे भोजन को पचाता है, स्पेशली चर्बी को, आप जो खाते हैं घी तेल उसको पचाने में लीवर मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कि आपका हार्ट हेल्दी जब रहेगा, जब आपका लीवर हेल्दी रहेगा, राइट। तो लीवर की हेल्थ के लिए गिलोय बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये दीपन और पाचन, दीपन का मतलब क्या होता है कि भूख लगाने वाला, राइट, एपेटाइजर, संस्कृत में दीपन बोलते हैं, इंग्लिश में एपेटाइजर बोलते हैं, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव। तो गिलोय की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो पाचन को बढ़ाने वाले हैं और आपकी भूख को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि भोजन ठीक से पच पाए और भोजन का जो अवशिष्ट है, जो वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकल पाए, इस प्रक्रिया में गिलोय बहुत मदद करता है। इसकी वजह से अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में नहीं बनता है। तो किसी भी रूप में अगर आप गिलोय खा रहे हैं तो मैंने जो बताया वो सारे लाभ लेते हुए आपके हार्ट को भी हेल्दी रख रहे हैं। गुड़ चीज को बोलते हैं गिलोय को, ये वात संतुलन, हार्ट की जो प्रॉब्लम है मैंने जो बताया, जैसे वात पित्त कफ तीनों महत्वपूर्ण है, कफ से जनित बीमारियां हमको नाम से ही पता चलता है कि जुकाम होगी और लंग्स के प्रॉब्लम हो गए, कोविड होगा, ये कफ से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वात से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको जोड़ों का दर्द, आप समझिए किसी इंसान को लगातार जोड़ों का दर्द है तो वो इंसान यानी कि वात बढ़ा हुआ है, और उस इंसान को वात की जो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक है, राइट। आज आप जोड़ों के दर्द से परेशान है, लेकिन इसका क्योंकि आयुर्वेद वात का इलाज करेगा, जोड़ों के दर्द का नहीं करेगा, आपको वात को कम करेगा, और जब वात को कम करेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, पैरालिसिस से बच सकते हैं, बहुत सारे और जो प्रॉब्लम है जो कि वात जनित बीमारियां उनसे आप बच सकते हैं। तो गिलोय आपके वात को कम करता है, मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन्स इसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। गिलोय आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी कि अगर हाई बीपी है तो उसको कम करने में गिलोय महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यानी कि आपका बीपी को कम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, लीवर को ठीक कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम में गिलोय बहुत ज्यादा यूजफुल है। घर में मैंने बताया गिलोय आप लगा सकते हैं, हर कोई इंसान लगा सकता है। भारत में 7 लाख लोग जो मरे या मरते हैं हर साल, इनमें से कम 3 लाख लोग बच सकते हैं सिर्फ अगर गिलोय को भी रोज उबाल के पिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता, हमारे घर में हम उगा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट नहीं लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गिलोय घर में लगा के और उसका सेवन करके अपनी जान को बचा सकते हो, अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, राइट। हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनमें गिलोय आता है? नीम गिलोय जूस है, वो तो नाम से ही पता चलता है। कल्प अमृत हमारा प्रोडक्ट है जिसमें गिलोय आता है, और भी बहुत सारी चीजें, उनके फायदे हम लोग अलग अलग समय पे जानते रहेंगे। इम्यून प्लस हमारा जूस है डॉक्टर नेचर का, उसमें भी गिलोय आता है। यकृत जीत सिरप है जो लीवर के लिए, उसमें भी गिलोय आता है। और एसिड नोवृत्ति जो हमारा सिरप है उसमें भी गिलोय आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जिनमें हम लोग गिलोय का इस्तेमाल करते हैं। एक और प्रोडक्ट है या जड़ी बूटी है
या सप्लीमेंट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए, उसका नाम है स्प्रेलुना। स्प्रेलुना आप जानते होंगे, ये सिवाल है, एक तरीके की फफूंद है जो कि खारे पानी पे उगती है, स्पेशली साउथ इंडिया में, लेकिन राजस्थान में भी खारे पानी में इसको उगाया जा सकता है पॉन्ड बना के। स्प्रेलुना बहुत ज्यादा पौष्टिक है और इवन जो नासा में लोग जो है स्पेस में जाते हैं बहुत दिनों तक, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है इसमें, यानी कि कम मात्रा में स्प्रेलुना की बहुत सारा पोषण है, इसलिए इसको कंसंट्रेटेड न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसीलिए स्पेस में जाने वाले लोग स्प्रेलुना का पेस्ट लेके जाते हैं ताकि वो कम खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन ले सकें। क्या क्या फायदा कर सकता है स्प्रेलुना? हमारे जो बैड कोलेस्ट्रोल है, अगर आप किसी की रिपोर्ट देखते हैं तो जब आप डॉक्टर से आप या किसी लेबोरेटरी से आप इसकी रिपोर्ट करवाते हैं तो एलडीएल लेवल जो है, एलडीएल कोलेस्ट्रोल जो है, जिसको बैड कोलेस्ट्रोल यानी कि खराब कोलेस्ट्रोल बोलते हैं, और जो एचडीएल है, कई लोग घबरा जाते हैं कि मेरा एचडीएल ज्यादा, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रोल है, और जब अच्छा कोलेस्ट्रोल बढ़ता है तो बुरा कोलेस्ट्रोल कम होता है। एचडीएल लेवल अगर बढ़े हुए होंगे तो एलडीएल के लेवल कम हो जाएंगे। तो गिलोई का काम है बैड कोलेस्ट्रोल को, एलडीएल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, ये भी स्प्रेलुना का फायदा है। साथ में स्प्रेलुना जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा, लीवर के लिए भी अच्छा है, हमें ताकत भी मिलेगी, इसमें फॉलिक एसिड भी है, इसमें विटामिन B12 भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, तो और बहुत सारे फायदों के साथ साथ ब्लड प्रेशर को कम करेगा और कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, इसलिए आपकी हार्ट के लिए अच्छा है। स्प्रेलुना किस किस चीजों में हमारे पास होता है? स्प्रेलुना प्लस टैबलेट के नाम से, जिसमें स्प्रेलुना और कुरकुमिन, यानी कि स्प्रेलुना है और हल्दी का अर्क है, हल्दी के अर्क को कुरकुमिन बोलते हैं, और आगे हम हल्दी के बारे में जब जानेंगे तो समझेंगे हल्दी भी हार्ट के लिए अच्छा है। न्यूट्री सपोर्ट पाउडर ड्रिंक मिक्स है, उसमें भी हमारा हल्दी होता है। क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट है, उसमें भी हमारा हल्दी होता है, और बहुत सारे और हैं स्प्रेलुना जिन जिन में होता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सॉरी, न्यूट्री सपोर्ट में भी स्प्रेलुना है और क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट में भी स्प्रेलुना है। तो इस तरीके से स्प्रेलुना हमारे कई प्रोडक्ट में है जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के अलावा बाकी सब फायदे भी देता है। आंवला, आंवला तो सब जानते हैं, हमारे राजस्थान का एक मेजर फ्रूट है, खट्टा फल है, पूरे राजस्थान के सभी जिलों में उगता है आसानी से, और भारत के ज्यादातर राज्यों में भी आंवला उगाया जा सकता है या उगता है। तो ये भी एक साधारण रूप से सर्दी के सीजन में आपको मंडी में सब्जी के रूप में आपको मिल जाएगा, आप सब्जी बना के खा सकते हैं, इसको सुखा के इसका पाउडर खा सकते हैं। बालों से लेके, स्किन से लेके सभी समस्याओं के लिए आंवला बहुत लाभकारी है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम में विशेष रूप से लाभकारी है। आंवला की के ऊपर जो अलग अलग रिसर्च हुई वो ये कहती है कि आंवला एंटी एजिंग है। देखिए, विटामिन सी को, जिसे मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसलिए उसको एंटी एजिंग फैक्टर भी बोला जाता है। तो विटामिन सी की वजह से आंवला एंटी एजिंग है, यानी कि उम्र के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए च्यवनप्राश को जो है एंटी एजिंग आयुर्वेदिक की दवा बोली जाती है। उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल है, बहुत सारे संक्रमण को ये खत्म करता है, बैक्टीरिया और फंगस को, इसीलिए कोविड में जो है आंवला का उपयोग भी बहुत ज्यादा हुआ विटामिन सी का। इसके अलावा सूजन को कम करता है, एंटी डायबिटिक है, और लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने के, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो आंवला हार्ट की प्रॉब्लम में कैसे मदद करेगा? अगेन, आपकी लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, इन्फ्लामेशन यानी कि अंदर जो हमारे सूजन आ जाती है उसको भी कम करता है और लीवर की हेल्थ को बढ़ाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसमें आंवला पाया जाता है हमारे प्रोडक्ट में? आंवला जिंजर जूस, जिसमें आंवला और अदरक दोनों है, तो अदरक भी आप आगे जानेंगे हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला प्लस जूस है, जिसमें आंवला के साथ में हरड़ और बहेड़ा होता है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एसिड निवृत्ति सिरप, इसमें भी आंवला डाला जाता है, और आयुर्वेद में आमल की रसायन नामक एक दवा है जो कि ज्यादातर पुराने वैद्य जो है रिकमेंड करते हैं एसिडिटी या अल्सर के पेशेंट को, तो आंवला उसका मुख्य घटक होता है। तो आंवला जो है एसिडिटी को भी कम करता है और अल्टीमेटली हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन, हम सब लोग जानते हैं लहसुन हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को लहसुन पसंद नहीं आता। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ भी मैं ये बता दूं कि जो भी ये जड़ी बूटियां हैं, अगर ये जैविक तरीके से उगाई गई है, अगर ऐसी जमीन में उगाई गई है जहाँ की उर्वरक क्षमता अच्छी है, जैसे कि हम बहुत सारी जड़ी बूटियां, चाहे मैं हल्दी की बात करूं, अदरक की बात करूं, लहसुन की बात करूं, तो हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों से, जैसे आप जानते होंगे कि डॉक्टर नेचर देवप्रयाग जगह है ऋषिकेश से आगे, वहां से प्रोक्योर करती है, और जो लहसुन हम लोग लेते हैं काफी पंजेंट होता है, काफी तीखा होता है, इसका टेस्ट जो है, अरोमा बहुत तेज होती है,
क्योंकि एक पोथी वाला यानी कि सिंगल वो पीस होता है लहसुन का और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और अफकोर्स फर्टिलाइजर वहां नहीं होते हैं इसलिए और ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। तो लहसुन के क्या क्या लाभ है हम जानते हैं। लहसुन बहुत सारी बीमारियों में फायदेमंद है, लेकिन हार्ट के लिए मतलब मेरे हिसाब से हमारे हिंदुस्तान के गांव-गांव में इवन कम पढ़े लिखे लोग भी ये जानते हैं, बुजुर्ग लोग, कि लहसुन जो है वात विकार को कम करने की बहुत अच्छी दवा है। जहां भी अगर दर्द की बात होती है तो लहसुन को सरसों के तेल में उबाल के लगाने की प्रथा हमारे देश में सदियों से है, लोग जानते हैं इस बात को। तो ये वात को कम करने वाला है, इवन पैरालिसिस किसी को हुआ हुआ है तो उसमें भी लहसुन को कूट के और सरसों के तेल में लगा के मालिश की जाए तो पैरालिसिस के पेशेंट को भी लाभ होता है, क्योंकि वो पैरालिसिस भी वात जनित समस्या है। उसका और जो फायदा है वो है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। अगर सुबह खाली पेट अगर लहसुन खाया जाए तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही सेहतमंद होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि इसमें लहसुन में सल्फर पाया जाता है जो कि जहरीले धातुओं को, जो हैवी मेटल्स जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की वजह से हमारी बॉडी में गए हैं उसको शरीर से निकालने में मदद करता है। साथ में ये वजन कम करने में भी मदद करता है। हमारे BP9 कैप्सूल, हेल्दी हार्ट लिक्विड, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें लहसुन बहुत भारी मात्रा में आता है। अगर किसी ने हेल्दी हार्ट लिक्विड पिया होगा तो उसके टेस्ट को हर इंसान समझता है कि खुलते ही आपके पूरे के पूरे घर में लहसुन की स्मेल हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें लहसुन डाला हुआ है, और लहसुन के साथ जो आइटम डाले हुए उनके बारे में हम आगे जानेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। अदरक, जैसे हमारा हेल्दी हार्ट के बारे में मैंने बताया था, उसमें लहसुन भी है, अदरक भी है। अदरक भी वात नाशक है, तो अदरक जिसमें भी होगी वो वात को कम करेगी। वात से जनित बीमारियां यानी कि जो मोटापा है, दर्द है, इसीलिए पीड़ान सिरप में हम यूज करते हैं। इसके अलावा ये आपके लीवर के प्रॉब्लम्स में फायदा करता है। अगर आपके हार्ट को हेल्दी रखना है तो सुबह सुबह आप खाली पेट अदरक का रस भी आप ले सकते हैं, या आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और ब्लड क्लोटिंग, खून में जो थक्के जम जाते हैं उसको ये कम करता है। इसीलिए हेल्दी हार्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा ये दिल से संबंधित जो बीमारियां हैं यानी कि हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है अगर लहसुन और अदरक दोनों को मिला के खाया जाए। स्पेशली सर्दी के मौसम में हमारा खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, जनरली सर्दी के मौसम में हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा होता है। ऐसे समय में अगर हम लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करें तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है 80% तक बच जाती है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग जो है सर्दी के मौसम में सुबह सुबह ज्यादा मरते हैं, राइट, आपने देखा होगा नॉर्मली, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, ऑक्सीजन कम होती है, सांस कम आता है और हार्ट की समस्या ज्यादा आती है। ऐसे लोगों को, वृद्ध लोगों को घर में है तो थोड़ा सा लहसुन और अदरक प्रतिदिन अगर उनको खिलाया जाए तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आगे लहसुन और अदरक के साथ और क्या मिला सकते हैं वो भी हम जानेंगे। बाकी हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसमें ये चीज पाई जाती है अदरक, यानी कि हमारा कल्प अमृत जूस जिसमें कि अदरक का रस है, इम्यून प्लस जूस है, हेल्दी हार्ट लिक्विड है, आंवला जिंजर जूस है, उदर निरोगी पाउडर है, पीड़ान सिरप है और वातामृत, इन सब में अदरक का उपयोग किया गया है। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका बोलते हैं, ये हम लोग हिमाचल से ऑर्गेनिक एप्पल परचेज करके और उसका रस निकाल के उसको बाद में फर्मेंटेशन करके, एक तरीके से उसको काफी दिन तक पड़ा रहता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो इसका नेचुरल सिरका या विनेगर बन जाता है। और विनेगर के बहुत सारे लाभ है वो हम देखते हैं। एप्पल विनेगर वजन घटाने में बहुत ज्यादा यूजफुल है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, इवन आपके लीवर के लिए अच्छा है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करके हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, राइट। तो हमने लहसुन के बारे में जाना, हमने अदरक के बारे में जाना और एप्पल साइडर के बारे में जाना। तो ये तीनों चीज किस प्रोडक्ट में है, वो हमारा हेल्दी हार्ट लिक्विड में ये तीनों चीजें पाई जाती है, और साथ में एप्पल साइडर विनेगर में भी हमारा एप्पल विनेगर है ही है। अर्जुन की छाल भारत में अगेन हजारों सालों से उपयोग करने वाली जड़ी बूटी है, बहुत सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जंगलों में अर्जुन के पेड़ पाए जाते हैं, ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में है, लेकिन अर्जुन का जो पेड़ है वो धरातल यानी कि राजस्थान जैसे जगह पे भी आसानी से उग सकता है।
अर्जुन की छाल का बहुत महत्व है क्योंकि हार्ट से संबंधित जो समस्याएं उनमें ठीक कर मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, आपकी हार्ट की जो मसल्स है उनको स्ट्रेंथ देता है। अर्जुन की छाल एल्कलाइजर भी है। कहा जाता है कि जिन लोगों को एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा है और एल्कलाइन फूड खाने वालों को हार्ट अटैक की समस्याएं कम होती है, इसलिए एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप भी कहीं ना कहीं हार्ट की समस्या से बचने में मदद कर सकता है। अर्जुन की छाल भी बहुत क्षारीय होती है, जैसे लौकी है उसी तरीके से गेहूं का ज्वारा है, वीट ग्रास है, आपका बार्ले ग्रास है, उसी तरीके से अर्जुन की छाल आपके शरीर में क्षारीयता बढ़ाता है और आपको ऊर्जावान बनाता है और साथ में हार्ट के प्रॉब्लम को कम करता है। डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट हैं डेली वेलनेस जूस के अलावा वेलनेस टी, जिसमें कि अर्जुन की छाल एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, अगर रोज पानी में थोड़ा सा आप डाल के या उबाल के या चाय में डाल के अर्जुन की छाल, अगर हमारी जो डॉक्टर नेचर की जो प्रीमियम टी है उसमें ऑलरेडी अदरक भी है और जड़ी बूटियां भी है, दालचीनी भी है, उसके साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा डेली वेलनेस जो हमारा टी है, हमारा जो चाय है, हर्बल चाय जिसको बोल सकते हैं, वेलनेस टी है, थोड़ा सा अगर उसमें चुटकी भर डाल दें तो हमारी चाय स्वादिष्ट भी होगी और हमें बहुत सारे बीमारियों से भी बचा सकती है। डेली वेलनेस जूस ये सभी प्रॉब्लम्स में यूजफुल है और इसमें अर्जुन की छाल डाली जाती है, दालचीनी डाली जाती है और आंवला भी डाला जाता है ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। BP9 कैप्सूल, इसमें भी अर्जुन की छाल और सारे जड़ी बूटियों के अलावा अर्जुन की छाल भी डाली जाती है। दालचीनी बहुत ही अच्छा मसाला है, हमारे हर घर में किचन में जरूर होगा, बहुत अच्छी एरोमा है, गरम मसाले में डाला जाता है, वैसे भी खाने का स्वाद अगर बिरयानी या कुछ ऐसी चीज बनाते हैं तो दालचीनी हम डालते हैं इसकी खुशबू के लिए, लेकिन खुशबू के अलावा ये बहुत ही बड़ी औषधि है, ये सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद है। आप शहद के साथ अगर दालचीनी का पाउडर भी लेते हैं तो आपकी गले की खराश या सर्दी है थोड़ा आपको इमीडिएटली ठीक हो जाती है। डायबिटीज में बहुत उपयोगी है, कैंसर में बहुत ज्यादा उपयोगी है, साथ में बहुत ही अच्छा है ये शुगर लेवल को कम करने में, इंफ्लामेशन शुगर को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है LDA उसके स्तर को कम करता है, इसलिए मोटापा और हार्ट अटैक की समस्याओं में इसको बहुत ही उपयोगी माना गया है। खून को पतला करने के लिए भी दालचीनी बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है या प्रिवेंशन के लिए आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं। दालचीनी कैंसर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, अगर आप दालचीनी और शहद मिलाकर खाते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वजन कम करता है, दिमाग की ताकत यानी कि मेमोरी तेज होती है, कमजोरी दूर होगी, आपको ज्यादा एनर्जी और ताकत मिलेगी, आंखें आपकी हेल्दी रहेगी, मोतियाबिंद जैसी आंखों की जो प्रॉब्लम है उनसे बचा जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल को बीपी को कम किया जा सकता है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें कि दालचीनी और शहद दोनों हैं, हमारा हेल्दी हार्ट जिसमें शहद काफी मात्रा में है, अदरक भी है, लहसुन भी है, दालचीनी भी है और साथ में शहद है, तो ये जो सारे फायदे हैं ये हार्ट की प्रॉब्लम के अलावा आपको वजन कम करने में भी मदद करेगा और आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बीपी भी कम रहेगा। नेक्स्ट, टर्मरिक हल्दी, जिसके बारे में बहुत बात करता हूं, आप सब जानते हैं और बार 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 हम इन चीजों को सुनेंगे और समझेंगे तो हम धीरे धीरे सोच के देखिए कि आज के 20 साल के बाद में कितने एक्सपर्ट हम हो जाएंगे, कितने अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे, इसीलिए हम लोग ये कोर्सेस करवाते रहते हैं। हल्दी के बेनिफिट हम जानते हैं, हल्दी जो है एंटी इंफ्लामेटरी है यानी कि सूजन को कम करने में हल्दी का बहुत बड़ा उपयोग है, इसीलिए आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द की जो समस्या है उसमें हल्दी बहुत उपयोगी है, इसीलिए हमारा जो पीड़ान सिरप है उसमें हल्दी का उपयोग किया जाता है। हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है उसमें हल्दी का उपयोग किया है। ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करता है, इवन घर में छोटे बच्चे हैं, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स जो है चुटकी भर जरा सा भी डालेंगे और उसको आप बच्चों को दूध के साथ पिलाएंगे तो बच्चों का ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, उनको कैंसर आने की संभावना कम होगी, उनको फ्यूचर में जाके कुछ दर्द वगैरह है, लीवर की समस्या, उनसे भी बचाव हो सकता है, कैंसर से बचाव करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, नींद अच्छी आएगी, एंटी एजिंग इफेक्ट है, शरीर में संक्रमण से बचेंगे और अल्जाइमर जिसमें याददाश्त की कमजोरी हो जाती है इस बीमारी से भी हल्दी बचा सकती है। हल्दी में कुरकुमिन एक तत्व होता है जो कि अल्जाइमर की स्थिति में
बहुत फायदा करता है, इसीलिए हमारा जो टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, अगर रात के समय दूध में मिला के पीते हैं कोई व्यक्ति लगातार 6-8 महीने, साल भर, 2 साल, तो उनको नींद की समस्या जीवन भर नहीं आएगी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आने की संभावना 80% तक कम हो जाती है, उनकी स्किन ग्लो करती है, उनको लीवर का प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि टॉक्सिन तो आप खा ही रहे हैं लेकिन टॉक्सिन से बच पाते हैं और कैंसर से खतरे से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट हैं जो क्या क्या काम कर सकते हैं, एक तो प्रिवेंशन, जो हमारे आज हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट की बीमारी से बचाव कर सकते हैं, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन कर सकते हैं, आप ऑलरेडी हार्ट से बीमारी से पीड़ित हैं, आपका बाईपास भी हो गया है या आपको एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट डले हैं, ये सब होने के बावजूद आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं आए, तो उसका प्रबंधन करने के लिए आप डॉक्टर नेचर के ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करने में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हर्बल वेलनेस टी, ये जो वेलनेस टी है जो काफी समय से हम बना रहे हैं, एक्चुअल में लोग इसके लाभ को समझ नहीं पा रहे हैं, लोग समझते हैं भाई ये तो चाय है, एक्चुअल में ये चाय आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है, आपका 5 लाख रुपए का खर्चा बचा सकती है, और इस चाय को थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा चुटकी भर, क्योंकि ज्यादा यूज नहीं करना है, थोड़ा सा चुटकी भर भी आप डालेंगे तो मुझे लगता है कि एक परिवार के लिए 2 से 3 महीना ये चल सकती है, तो अगर आप पर डे की कॉस्ट मानेंगे तो लगभग 4-5 रुपए की कॉस्ट आती है और उसके जो बेनिफिट है बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, इसलिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन में यानी कि आपको बचाव में मदद करेगी, आपको होगी नहीं प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम नहीं आज के तारीख में, हेल्दी है, फिट है, तो आप ये हर्बल वेलनेस टी लेना शुरू कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट की यानी कि हेल्दी हार्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, प्रॉब्लम आ चुकी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुके हैं, बीपी बहुत बढ़ चुका है, डायबिटीज हो चुकी है, आपको कोलेस्ट्रॉल इतने बढ़ गए हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि आपको स्टेंट डलाने पड़ सकते हैं, तो हेल्दी हार्ट उस परिस्थिति में भी, ट्रीटमेंट करने की परिस्थिति में भी और ठीक होने के बाद उसको कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट करने में भी हेल्दी हार्ट जूस आपकी मदद करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां उसके बारे में मैंने बताया वो इसमें मौजूद है। आंवला, जिंजर और हनी, आपने पढ़ा हनी बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, अदरक बहुत अच्छी है, आंवला बहुत अच्छा है, तो ये प्रिवेंशन में आप आंवला ले रहे हैं सब अपने बालों को अच्छा करने के लिए, ताकि आज के 5 साल बाद 10 साल बाद गिरे नहीं बाल आपके, आपकी स्किन ग्लो करती रहे, आपके बहुत सारे पैरामीटर्स अच्छे रहे, इसके लिए आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम आने से भी बचा सकता है। और कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है जो बेड पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल में आईसीयू में, उससे बोला जाए कि आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और आपको एक बॉटल सिर्फ 10 लाख रुपए की मैं दूंगा, 10 लाख रुपए की एक बॉटल दूंगा और इसको पीने से आपका हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो क्या वो पेशेंट लेगा? चांसेस है कि 99% वो पेशेंट लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ भी मुझे 5-7 लाख रुपए लग सकते हैं, लेकिन यहाँ चीरेंगे, फाड़ेंगे, काटेंगे, कितने दिन हॉस्पिटल में रखेंगे और बचूंगा कि नहीं बचूंगा गारंटी नहीं है। अगर उसको कोई बोले कि 10 लाख की एक बॉटल है लेकिन उसको पीने से तेरा हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा 3 दिन में 4 दिन में, तो वो जरूर 10 लाख खर्चा कर देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं पहले से हम वो खर्चा कर लें। अब 10 लाख रुपए का आंवला जिंजर जूस तो पता नहीं आपको पूरा खानदान पी लेगा और कितने साल तक पी लेगा, तो क्यों नहीं हम पहले पी लें, राइट? तो आप इसको इकोनॉमिकली आप समझ के देखिए, जो लोग कहते हैं महंगा है उन लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करिए। हॉस्पिटल में लूटोगे तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर नेचर को दोगे तो कितने लोगों को चेक बटेगा, गौशाला में पैसा बटेगा, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, तो क्यों नहीं आंवला जिंजर जूस यूज कर लें। उसके अलावा वेलनेस डेली जूस आपको प्रिवेंशन में मदद करेगा। BP9 कैप्सूल जो है, जिसमें कि अर्जुन की छाल है, दालचीनी है, सर्पगंधा है, मुलेठी है और बहुत सारे जड़ी बूटियां, तो बीपी को कम करके आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकता है। स्प्रेलूना प्लस टैबलेट जो है, जिसमें मैंने पहले बताया स्प्रेलूना और कुरकुमिन है, ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स जिसमें हल्दी है, दालचीनी है, अश्वगंधा है और बहुत सारी चीजें, ये आपका जायफल है, ये सब चीजें होने की वजह से ये प्रिवेंशन, बचाव में, ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में, यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम आ गया तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यकृत जीत सिरप, अगेन आपके लीवर की हेल्थ आपकी हार्ट की हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए आपकी हेल्थ के लिए यकृत जीत सिरप आप ले सकते हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम में क्या क्या लेना है आज आप आसानी से समझ गए। आपको यकृत जीत लेना चाहिए, आपको हेल्दी हार्ट लेना चाहिए, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो BP9 लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हार्ट पेशेंट को बीपी का प्रॉब्लम बढ़ा रहता है। और साथ में आप टर्मरिक ड्रिंक मिक्स ले सकते हैं, आंवला जिंजर जूस ले सकते हैं, सुबह चाय में हर्बल वेलनेस टी पी सकते हैं,
तो ये सारे प्रोडक्ट हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब है। और जहां तक मैं समझता हूँ आपको कुछ तो समझ आया होगा, और मैंने कोशिश करी कि एक घंटे में इसको मैं कंप्लीट कर दूं, तो लगभग एक घंटे में मैंने आज के इसको कंप्लीट किया है। हार्ट से संबंधित कुछ दो चार सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे भी कल सुबह जल्दी मॉर्निंग में प्रयागराज जाना है, तो मैं 5 बजे यहाँ से निकलने वाला हूँ, 4 या 5 बजे तकरीबन मैं जयपुर से निकल जाऊंगा। और हमारी जो प्रयागराज के जो टीम के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि कल का प्रोग्राम बहुत शानदार होने जा रहा है। आप लोगों ने बहुत तैयारियां तो करी है, मैंने भी तैयारियां करी है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने की, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। वेलनेस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, डॉक्टर नेचर फ्यूचर में क्या करने वाली है, हमारा भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में कल प्रयागराज में डिस्कस करेंगे। आपके अगर कोई भी गेस्ट हैं जो प्रयागराज के आसपास रहते हैं उनको वहां भेजिए, मुझसे मिल सकते हैं, हमारी पूरी टीम से मिल सकते हैं। तकरीबन 500 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग वहां होने जा रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मुझे वहां के लिए भी तैयारियां भी करनी है अभी सुबह, क्योंकि मुझे 4 बजे निकलना है तो 3 बजे उठना पड़ेगा। तो स्टिल आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड कंसल्टेशन वाला जो पार्ट है उसके लिए आपके पास ऑलरेडी नंबर है, तो उसका आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी जी सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। हर डिजीज में मोटापा का कैसे असर होता है? मोटापा तो हार्ट डिजीज के लिए, मतलब किसी को भी हार्ट अटैक लाना है तो उसको मोटा कर दो। मोटापा, देखिए मोटापा होगा तो फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो आपके लीवर पे लोड पड़ेगा, और लीवर आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो लीवर क्या है, खून में डालता रहेगा फैट को, राइट। उसकी उसकी क्षमता से ज्यादा अगर उसके पास फैट मिल रहा है तो वो खून में चर्बी को डालता रहेगा, और खून में जब चर्बी बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और आपकी जो खून की नलियां हैं, आर्टरीज हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाएंगे, वो फैट जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और बहुत सारे कारण हैं, आपको वात भी भर जाएगा अगर आप मोटे हैं, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगी, आप मोटे होते जा रहे हैं तो एक्सरसाइज भी कम कर पाएंगे। ओवरऑल मोटापा तो जो है डायबिटीज और हार्ट दोनों के लिए बड़ा खतरनाक है, इसलिए वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जी वेलनेस टी जो हम लोग है इसको जनरली चाय में एक चुटकी डाल के पिया जा सकता है सर? जी सर, मेरे खानदान में लगभग पिछले 12-13 साल से एक भी दिन शायद घर में तो चाय इसके बिना कभी नहीं बनी है, ठीक है ना। आप डेली यूज कर सकते हैं, मतलब पूरी जिंदगी यूज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जैसे रोज हम पानी पीते हैं वैसे ही आप गिलोय और ये चीज को, क्योंकि इसमें आपका जो वेलनेस टी है इसमें गिलोय भी है, अर्जुन की छाल भी है, दालचीनी भी है, काली मिर्च भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप थोड़ा सा चुटकी भर आपकी जो सामान्य चाय है उसी के साथ में ले लीजिए। हाँ, अगर कोई चाय नहीं पीता है तो सीधा इसको आप दूध में उबाल के या पानी में उबाल के पी सकते हैं, साथ में शायद या नींबू डाल सकते हैं। नींबू के चाय में डाल सकते हैं सर? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। ओके नमस्ते। हाँ जी, सेफ अमन जी आपने हैंड रेज कर रखा है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, वैसा कोई सवाल नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अमित कुमार जी। हेलो सर। हाँ जी सर, किसी के माथा में ट्यूमर हो गया है और वो पुराना हो गया है, और हम इधर नया ज्वाइन किए हैं डॉक्टर नेचर में। ठीक है, माथे में ट्यूमर हो गया है। जमशेदपुर से हम बोल रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ क्योंकि आप नए हैं, और एक नंबर भी मैं बताता हूँ, आप प्लीज नोट कर लिए ताकि आपको आगे, आज तो मैं इसका बता ही दूंगा लेकिन आगे के लिए आपको मददगार होगा, इसलिए एक नंबर दे देता हूँ। हमारा जो डॉक्टर कंसल्टेशन का नंबर है 8306998716। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर हम लिख लेते हैं नंबर सर। हमारे साथ संतोष जी भी बैठे हुए हैं ना सर? हाँ। जी जी, मैं आपको नंबर लिखवा देता हूँ 830। और सर 6998717। हाँ जी, नाम सर इनका
डॉक्टर पंकज और डॉक्टर रीटा दोनों यहाँ पर रहेंगे, सारे डॉक्टर इस पे बैठे रहते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो वो इस नंबर पे कॉल करने पे आवश्यकता होगी तो मेरे से भी बात करा देते हैं। सर कम से कम आपका मीटिंग जो हम सुने ना सर, जी जी, हम बहुत खुश हो गए हैं, क्या कि हम पहले AWPL में थे लेकिन आज तक कोई इस तरह नहीं बताया जी। और अच्छा पोजीशन में थे, उसको छोड़ के संतोष गुप्ता के साथ बोले हमको, हमको पसंद आया, हम इसमें इन्वॉल्व हो गए। जी जी वेलकम। चलिए मैं आपकी समस्या का हल बता देता हूँ। यहाँ पे जो सिर पे जो फोड़ा हो गया है, जो आप बोल रहे हैं गांठ जैसी होगी, फोड़ा लगी होगी, गांठ है ये, तो इसमें आप देंगे हमारे जो प्रोडक्ट है उनको आप नोट कर सकते हैं। एक तो व्हीट बार्ले ग्रास जूस देना होगा। अच्छा ठीक है ना, व्हीट बार्ले ग्रास जूस, साथ में उनको, ये तो डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट हो गया, साथ में इनको वृद्धि वादिका वटी, जो कि आप बैद्यनाथ या डाबर की ले सकते हैं मार्केट से, वृद्धि वादिका वटी। अच्छा। और एक है कचनार गूगल, दोनों की एक एक गोली दिन में दो बार लेनी है। व्हीट ग्रास जूस 15-15 ml दिन में दो बार लेना है, लगातार लंबे समय सेवन करेंगे तो धीरे धीरे कम होता हुआ ये खत्म हो जाएगा। और ये सेम ऐसी समस्या अगर ऐसी है जिसे बाहर गांठ है, उसी तरीके से बहुत सारे केस में कहीं भी कोई बड़ी भी चीज होती है, यानी कि कोई गांठ जो है वो चाहे यूट्रस में है, चाहे शरीर के किसी और अंग में है, तो उसमें भी यही ट्रीटमेंट देने से, अगर यूट्रस में है तो फेमिकल्प भी साथ में दे देंगे तो अंदर जो यूट्रस में गांठ है वो भी इससे गल जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। दीपशिखा कुमारी जी पूछना चाह रही हैं। नमस्ते नेचर सर। हाँ जी नमस्ते नेचर सर। अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आया हो और हार्ट में भी अटैक आया हो, पहले उनका बीपी हाई था लेकिन अब नॉर्मल है, तो क्या उनको बीपी 9 कैप्सूल दे सकते हैं? नहीं, अगर बीपी नॉर्मल है तब नहीं देना है। तब पैरालिसिस का जब अटैक है, हाँ पैरालिसिस का है तो उनको आप हेल्दी हार्ट हमारा जो जूस है वो आप दीजिए, विटामिन B12 दीजिए, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स दीजिए, अश्वगंधा टेबलेट दीजिए, ये जो आइटम है ये उनको चलेगा लगातार। हेल्दी हार्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है वहां से, उनको हार्ट में भी प्रॉब्लम था, पैर पूरे पैरालाइज था एक पार्ट में लेफ्ट साइड, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बीपी अभी नॉर्मल है। जी जी गुड, वेरी गुड। और इनको आप जो है एक चीज और, एक घरेलू उपाय आप बता सकते हैं कि जहाँ पैरालिसिस हुआ है चाहे हाथ में पैर में जहां भी है, वो लहसुन और अदरक इन दोनों को कूट के थोड़ी थोड़ी मात्रा, और इनको सरसों के तेल में धीरे से उबाल के उस तेल की अगर मालिश करेंगे दिन में एक बार, चाहे 4-5 दिन के लिए बना के इकट्ठा रख सकते हैं और इस तेल से मालिश करेंगे तो इनको काफी लाभ होगा। सर अपना पेन रिलीफ फाइल से मालिश करते हैं, फिजियोथेरेपी वाला आता है तो पेन रिलीफ से करते हैं तो ठीक है, वो और अच्छा है, लेकिन मैं मतलब मेरा पर्पज ये कि कोई अगर घरेलू उपाय भी कुछ करना चाहता है कम खर्चे में तो वो भी कर सकता है। सर अगर वेट बढ़ाना हो तो, मेरा खुद का 5 kg वेट बढ़ाना है। हाँ वेट बढ़ाना है तो आप प्रोटीन पाउडर लीजिए दूध में मिला के, साथ में आप उसमें कैलोरी वाली चीज ले रहे हैं, रात को टर्मरिक ड्रिंक मिक्स ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट नहीं बढ़ रहा 5 kg नहीं, टर्मरिक ड्रिंक वेट बढ़ाने के लिए नहीं है, वो आपके लीवर को अच्छा करेगा और बाकी जो फायदे मैंने आज बताए, वेट बढ़ाना है और कम करना है दोनों में प्रोटीन पाउडर काफी यूजफुल है। बढ़ाने वाले लोगों को खाना भी खाना है, यानी कि खाना जो आप खा रहे हैं सामान्य वो खाना खाइए, खाने के थोड़ी देर बाद जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं डेजर्ट खाते हैं वैसे आप एक चम्मच प्रोटीन पाउडर का डालिए, उसमें ठंडा ठंडा दूध डालिए, थोड़ा उसमें आप किशमिश काजू ये भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा केला डाल सकते हैं या जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है, तरबूज है जो भी है, चीकू है, अनार है, अनानास है जो भी है, उसका एक शेक बना लीजिए बढ़िया सा और उसको डेली आप पीजिए, और यकृत जी सिरप लीजिए। सर ठंडा दूध में लेना है? देखिए गर्म में भी ले सकते हैं पर ठंडे में ही अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं शेक जो है ना, मैं तो ठंडे में ही पीता हूँ, मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती रात में, तो मैं शेक ठंडा, इवन गर्मी के सीजन में तो बर्फ भी डालिए आप उसमें, अच्छा बनेगा, टेस्टी लगेगा, इवन थोड़ा सा उसमें शहद डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, ये वेट बढ़ाने वालों के लिए, घटाने वालों के लिए ऑप्शन नहीं है ये सारे कि आप ये भी डाल लोगे, लेकिन प्रोटीन पाउडर आप लेंगे तो ठंडे दूध के साथ ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ठंडे से ही लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी संगीता अग्रवाल जी मैडम कुछ पूछना चाह रहे हैं। नमस्ते सर। हाँ जी। सर जैसे आपने बताया
सर जैसे आपने बताया बीपी पेशेंट के लिए 8 प्रोडक्ट्स आपने रेकमेंड किया, तो हम कम से कम जिनको अभी बीपी हाई है हम कम से कम कितने प्रोडक्ट दे सकते हैं और क्या क्या दे सकते हैं? देखिए सबसे पहला जो बीपी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा बीपी 9 कैप्सूल है, नंबर 1। नंबर 2 हेल्दी हार्ट। ये दो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, मैंने जो बताया ट्रीटमेंट के पर्पज से। बाकी मैंने बताया जो वेलनेस टी है या वेलनेस डेली जूस है, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, ये सारे प्रिवेंशन वाले पार्ट हैं। क्योर और ट्रीटमेंट की बात जहां करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट ही जरूरी है। एक क्वेश्चन और, जैसे बीपी कम हो या ब्लड शुगर कम हो तो इसके लिए भी यही दे सकते हैं कि और कुछ प्रोडक्ट है डॉक्टर नेचर में? नहीं, बीपी कम हो जब पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, बीपी कम हो तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहली जो चॉइस होगी अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप होगा, ठीक है। बीपी कम वाले पेशेंट को, जिनका बीपी लो है, शुगर लो है, उन लोगों के लिए बीपी 9 होगा। इसके अलावा इनके लिए और जो अच्छा प्रोडक्ट होगा वो न्यूट्री सपोर्ट होगा, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पाउडर्स हैं तो मिनरल कंटेंट अच्छा मिलेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये दो प्रोडक्ट जिनका बीपी लो है उनके लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा आइटम वो ले सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोटीन पाउडर लिया जा सकता है। लेकिन ये दो प्रोडक्ट वैसे सफिशियंट होंगे बीपी लो है उसको अप करने के लिए। और अगर बदल बदल के कुछ लेना है तो एक और ऑप्शन है आपके पास, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस, वो भी बीपी बढ़ाने के लिए अच्छा है। और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि हीमोग्लोबिन भी कम होता है लो बीपी वालों को अक्सर, तो वहां पे मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस काफी मदद करेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मेरे फादर इन लॉ को बीपी है बट शुगर लेवल कम है उनको, और ये अभी 15-20 दिनों से हो रहा है, तो अभी उनको क्या दे सकते हैं हम लोग? बीपी ज्यादा है और शुगर पहले था क्या उनको? हाई था क्या शुगर पहले? नहीं, शुगर था ही नहीं बट अच्छा, शुगर कम है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। शुगर कम होना तो बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। उसके लिए तो खैर आप नॉर्मली हम खाने में कोई भी किशमिश है या अंजीर है या खजूर है, इस तरीके की चीजें खा के हम लोग शुगर लेवल को अप कर सकते हैं। मेरा भी सुबह खाली पेट शुगर जो है वो लगभग 70-75 रहता है, जो जनरली मेडिकल साइंस के हिसाब से लो है, लेकिन मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। एनीहाउ, लेकिन बीपी हाई है तो उसके लिए उनको शुगर कम है, ऐसे केस में भी आप उनको बीपी 9 जो कैप्सूल है वो आप उनको साथ दे सकते हैं और हेल्दी हार्ट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी कम होगा। थैंक यू सर। जी थैंक यू। नेक्स्ट सुभाष चंद्र जी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? सर जी, जी मेरी आवाज आ रही? नमस्कार जी। नमस्कार, आ रही आवाज सर जी? पैर के ये मसल्स जो होते हैं जी, इनमें खिंचाव है। ठीक है ठीक है, पैर के मसल्स में खिंचाव है तो आपके लिए जो यूजफुल रहेगा वो टर्मरिक ड्रिंक रहेगा, अश्वगंधा टैबलेट रहेगी, और तीसरा आइटम अगर साथ में ले सकते हैं तो विटामिन B12। ये 3 आइटम लेंगे तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। B12? हाँ जी, B12 कैप्सूल, विटामिन B12 कैप्सूल आता है। कैल्शियम चलेगा क्या? नहीं नहीं, विटामिन B12 कैप्सूल आता है डॉक्टर नेचर का जी, दिन में 2 बार एक एक ले लें, और टर्मरिक ड्रिंक जो है वो हम ले लें, और अश्वगंधा टैबलेट ले लें। अश्वगंधा जी। अच्छा सर, ये वेट लॉस में? जी वेट लॉस में क्या? हाँ जी, वेट लॉस में देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो है कि जो भी पर्सन है उनकी डाइट और उनकी क्या लाइफस्टाइल है, राइट। कई कारण से हो सकता है, कई लोगों का क्या होता है कि बहुत ज्यादा खाने पीने में कैलोरीज ज्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पे डाइट बहुत कम है फिर भी वेट बढ़ा हुआ है। जी जी, लेडीज हैं जिनका वेट बढ़ा हुआ है? जी सर। ठीक है, लेडीज में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें यानी कि कोई भी यूटेराइन प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी कारण हो सकता है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हुआ है तो भी उनका वेट बढ़ सकता है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उनको आप फेमिकल सिरप जो है दिन में 1 बार दे सकते हैं, ताकि पूरा का पूरा यूटेराइन सिस्टम ठीक हो, हार्मोन ठीक से काम करने लगे जी। तो आप दे सकते हैं, मतलब कोई नुकसान नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो दे सकते हैं। एक तो फेमिकल्प देंगे अगर फीमेल पेशेंट है तो, साथ में एप्पल साइडर विनेगर देंगे सुबह, सबसे पहले खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर देंगे 5 ml, यानी कि बॉटल का जो ढक्कन है उसको आधा से भी कम,
एक ग्लास पानी के साथ धीरे धीरे करके पियेंगे। थोड़ा सा उसमें शहद डाल सकते हैं क्योंकि महिलाओं को जनरली स्वाद का प्रॉब्लम होता है। एप्पल साइडर में हनी डाल लेंगे तो आराम से पी पाएंगे, गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो और बेहतर होगा। तो पहला सबसे चीज ये हो गई। दूसरा बात होगी दोपहर के खाने से पहले सीमन फिट जूस जो है वो 30 ml सुबह और 30 ml शाम में, और सेमी कप जो सिरप है दिन में एक बार खाना खाने के आधे घंटे के बाद। इस तरीके से करेंगे तो वेट लॉस होगा और चिकनाई वाली चीजें हैं इन पे थोड़ा सा नियंत्रण कर लें। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। टुनटुन कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? विवान, मिस्टर विवान जकर। नमस्ते नेचर सर। हाँ जी नमस्ते नेचर सर। मेरा दो सवाल है, एक तो अपना हेल्दी हार्ट से रिलेटेड है। जैसे एक पेशेंट है सर हमारे, तो वो फूडीज हैं सर, तो अच्छा। उनका वेट 82 केजी है और उनका एज जो है सर वो 45 के अप्रोक्स है। ओके। हार्ट के पास दर्द रहता है, वो जब अर्जुन का छाल को उबाल के पीते हैं तो दर्द ठीक रहता है, और वो जैसे ही छोड़ते हैं 2-3 दिन बाद मीठा मीठा दर्द उनको चालू हो जाता है, ठीक है ना। और वो हम मतलब हमने उनको प्रोडक्ट सजेस्ट किया था, तो उन्होंने हमको एक बात बोला कि हम खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट काम करेगा तो आप बताइए, हम मतलब उसको लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम अर्जुन का छाल पीते ही हैं और हमने प्रोडक्ट के बारे में उनको सब कुछ बताया था। देखिए आप बिल्कुल अच्छी बात है, वो कम से कम इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट लेंगे। देखिए अगर वो ऐसा ही खाना खाते रहे जैसे खा रहे हैं, इनको खाने का बड़ा शौक है और साथ में उनको प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, जैसे मैंने अभी जो लक्षण बताए थे हार्ट के प्रॉब्लम के, कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आने की, यानी कि आपके कहीं दर्द होता है, लगातार पेन बना रहता है, तो वो भी हार्ट का एक प्रॉब्लम है। इनको इसी वजह से होता है कि शायद इनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए होंगे, और अर्जुन की छाल लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल थोड़े कम हो जाते हैं, खून पतला हो जाता है, तो वो पेन का जो समस्या कम हो जाती है, राइट। अब ऐसी कंडीशन में अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो उनको गंभीर समस्या आ सकती है, यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है या लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ और दिक्कत आ सकती है। इनको आप क्या करिए, जैसे मैंने बताया, एक तो सबसे पहले इनको यकृत जी सिरप दीजिए ताकि इनके शरीर में जमा हुआ फैट, इनके लीवर में जमा हुआ फैट वो कम हो जाए और नया फैट कम बने, राइट। तो पहले चीज तो यकृत जी दे दीजिए। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो इनको देने के लिए रहेगा वो वीट बार्ले ग्रास जूस रहेगा। वीट बार्ले ग्रास जूस लेने से खाने की टेंडेंसी कम होती है, इसमें फाइबर रेशा बहुत है, खूब फाइबर भरा हुआ है, तो जनरली पेशेंट को किसी भी व्यक्ति को बार बार खाने की जो क्रेविंग है इच्छा वो कम होगी। तो वीट बार्ले ग्रास दीजिए इनको सुबह। सबसे पहले एप्पल साइडर दे दीजिए, ऐसे खाने के शौकीन व्यक्ति जनरली एप्पल साइडर लेंगे नहीं क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसलिए उनको वीट बार्ले ग्रास जूस दे दीजिए सुबह खाली पेट। और खाना खाने के पहले स्लिम एंड फिट जूस दे दीजिए कि आप दिन में 2 बार 50-50 ml, शुरू के 1 महीना यानी कि 100 ml पर डे लेना है, 50 ml एक बड़े ग्लास पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में, चाय की जैसे सिप कर करके पीजिए। तो जो क्या होगा कि वो व्यक्ति जो 4 रोटी खाने वाला था वो 3 में या 2 में ही जो है उसको लगेगा कि मेरा पेट फुल हो गया है, तो इसलिए स्लिम एंड फिट जूस इनको दिन में 2 बार देना है, शुरू में 50-50 ml देना है गरम पानी के साथ में, सुबह में वीट बार्ले ग्रास देना है और शाम में 4-5 बजे न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स देना है, 1 ग्लास ठंडे पानी में मिला के, वो गरम पानी के साथ नहीं लेना है न्यूट्री सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स हैं तो गरम पानी के साथ हो सकता है खराब हो जाए। शाम में स्नैक के रूप में, मतलब इच्छा है कि नहीं है लेकिन लेना है, तो 4-5 बजे के आसपास जनरली भूख तेज लगती है उस समय वो न्यूट्री सपोर्ट पाउडर ले लेंगे। और फिर एक और बार खाना खाने के पहले, मैंने वजन बढ़ाने वालों को खाना खाने के बाद प्रोटीन पाउडर बोला है, इनका समय अगर 7 बजे खाना खाने का है, 9 बजे का है, 10 बजे का है, तो 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर 1 ग्लास ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में या स्कीम्ड मिल्क जिसमें फैट नहीं होता है वैसे मिल्क में मिला के पीने के लिए बोलिए, उसके बाद बोलिए कि अब खाना खा लीजिए, ठीक है सर। ऐसा करने से उनका वेट बहुत फास्ट कम होगा और इनको इतनी अच्छी हेल्थ लगेगी, इनको मजा आएगा, सारे पेन वेन कम हो जाएंगे, थोड़ा एक्टिव महसूस करेंगे और हेल्दी हार्ट चलेगा ना सर इनको। फिलहाल ये सब, इनको और क्या प्रॉब्लम है वेट के अलावा? वेट है सर और बस वही मीठा मीठा दर्द रहता है हमेशा। नहीं नहीं, इनको जरूरत नहीं है हेल्दी हार्ट की, इनको जो मैंने बताया सिर्फ यही प्रोडक्ट दीजिए और 15-20 दिन के बाद में आपके अपलाइन से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप करिए कि इनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या है रिजल्ट, कुछ चेंज करना पड़ेगा तो मैं करूंगा।
ठीक है सर। और दूसरा सवाल हमारा ये है सर कि जैसे अभी हम लोग ना ये अपने सर्टिफिकेट कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस ऑफ हमारे जो सर्टिफिकेट है सर, उसका इम्पोर्टेंस क्या है सर, वो थोड़ा सा हमको बता दीजिए सर। इसका भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए क्या है कि पहले चीज तो हम जैसे सीखेंगे तो हमें और ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे आज हम कुछ सीख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे पेशेंट को ज्यादा बेटर दे पाएंगे, क्योंकि नॉलेज ही बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता एक्चुअल में। मेरे से प्रोडक्ट लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास दिल्ली से आते हैं जयपुर, और संडे को दवाई लेके वापस चले जाते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, हमको लगता है कि ये व्यक्ति हमें सही से गाइड करेंगे। जैसे कि एक वकील के पास में आपको जाते हैं, कोई वकील 2,000 रुपए की फीस लेता है तो भी लोग जाते हैं अगर इंपॉर्टेंट काम है तो, और कई वकील वहां बैठे रहते हैं, आ जाओ 50-50 रुपए में आ जाओ, उनके पास भी नहीं आते। तो पहले चीज नॉलेज ही बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता, नॉलेज आपको इंप्रूव करेगी। दूसरा, ये सर्टिफिकेट लेने से आपको किसी को भी एज ए वेलनेस कोच, एज ए न्यूट्रिशन कोच आप किसी को सलाह दे सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के लेवल पे लिखा होता है कि कंसल्ट योर डॉक्टर और डाइटिशियन बिफोर कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के ऊपर ये लिखना आजकल मैंडेटरी है कि आप किसी से सलाह लेके लें, राइट। तो एज ए डॉक्टर नेचर वेलनेस कोच, आप जो सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आप वेलनेस कोच कहलाते हैं, और आप ऑथोराइज हैं लोगों को परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए लीगली, कि आप लोगों को कंसल्टेशन दे सके कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, राइट। इसलिए वो आपको मदद करेगा, तो सर्टिफिकेट को आप प्रमोट कर सकते हैं, अपना एक वेलनेस क्लिनिक खोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं। मैंने कहा कि भविष्य में आपको एलोपैथी हॉस्पिटल कम नजर आएंगे, मेडिकल की दुकानें कम नजर आएगी। मेरा नहीं बोलना है, ये उन लोगों को बोलना है जो दुनिया को डील करते हैं, दुनिया को समझाते हैं, इंडस्ट्री का प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। जिन लोगों ने पहले करी थी वैसा अब हो रहा है, और आज कर रहे हैं वैसा फ्यूचर में होगा। उन लोगों का ये कहना है कि वेलनेस क्लिनिक्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। लोग आपसे ये पूछने आएंगे कि मुझे सर क्या खाना चाहिए, मेरे स्किन अच्छे करने के लिए क्या खाना चाहिए, मेरे बाल अच्छे के लिए क्या करना चाहिए, मुझे वजन कम करने के लिए क्या करना है। ऐसे वेलनेस कोच आप अभी से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, और आपके पास 2-3-4-5-10 सर्टिफिकेट रहेंगे, ढेर आपकी डिस्प्ले में लगा रहेगा सर्टिफिकेट, तो लोग आपका रेस्पेक्ट करेंगे, और गवर्नमेंट भी आपको अलाउ करती है ये सब चीजें करने के लिए। और सर हमारा आखिरी सवाल ये है सर कि ये जो कोर्स है सर, इसका टाइम ड्यूरेशन 7 डेज ही क्यों रखा गया है सर? 7 डेज में तो हम लोग सारी चीजों को कवर भी नहीं कर पाते हैं सर, बहुत सारा प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है, फिर हम इसका क्वालिफिकेशन बढ़ा देते हैं और इसको 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं, तो फिर हम लोग उसको 1 महीने का भी कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए बहुत सारी चीजें रहती है हमारे साथ भी, और भविष्य की अगर आप बात करें तो डॉक्टर नेचर एक फुल टाइम एक वेलनेस इंस्टीट्यूट खोलने वाला है, जिसके ऊपर आप 300 दिन कोचिंग की जैसे क्लासेस चलेगी, जहाँ पे लोग आके रह सकते हैं, और उसके कुछ क्वालिफिकेशन भी होगी डॉक्टर नेचर के अलावा भी, जो डॉक्टर नेचर नहीं करते हैं या करना भी नहीं चाहते MLM, वो लोग भी आके वहाँ पे कोर्स की फीस जमा करा के और वहाँ पे 7 दिन से लेके और 1 महीने के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स भी ज्वाइन कर पाएंगे, 1 साल के डिप्लोमा कोर्स भी ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा भी डॉक्टर नेचर एक वेलनेस इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है, उसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और वो इंस्टीट्यूट अलग से जो है फीस लेके ऑनलाइन भी कोर्सेज करवाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर AK सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? डॉक्टर साहब जी, सर नमस्ते। नमस्ते नेचर जी। नमस्ते नेचर सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट है तो गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ है? पूरे जितने सारे प्रोडक्ट हैं पूरे सेफ हैं, किसी में से कुछ ही प्रोडक्ट हैं? देखिए क्या है कि सारे ही प्रोडक्ट सेफ हैं, राइट। अब इसमें से हमें एज एक्सपर्ट हमें किसी से सलाह लेनी है, क्योंकि क्या होता है कि लैक्टेशन के पीरियड के टाइम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, मतलब सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम में, और कुछ सप्लीमेंट भी चल रहे होंगे या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होने से कुछ मिसकरेज हो सकता है, स्पेशली इनिशियल फर्स्ट फ्यू वीक्स तक। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट, मतलब डॉक्टर नेचर का ही नहीं, खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अगर कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, और वो लहसुन और अदरक की चटनी बना बना के कटोरी भर के खा जाए, तो उनको मिसकरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, फूड सप्लीमेंट लो, उसको प्रॉपर सलाह लेके हमारे डॉक्टर रीटा जी से, अगर मैं तो ये कहूंगा किसी प्रेग्नेंट कस्टमर को आप प्रोडक्ट मत दीजिए,
सेफ है कि नहीं है वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, वो डिसाइड करके बताएंगे कि हाँ इनको दे सकते हैं उनकी परिस्थिति जानने के बाद में। बाकी हमारा जो मदर केयर जूस है वो बना ही उनके लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और ड्यूरिंग लैक्टेशन उसके लिए ही है वो, और हीमो बूस्ट भी उसके लिए ही है। दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उनको देने ही चाहिए, राइट। उसके अलावा कैल्शियम D3 देना ही चाहिए, अगर और दूसरा कैल्शियम नहीं चल रहा है तो पहले से कुछ और कैल्शियम चल रहा है डबल ना हो जाए। तो ये 3-4 प्रोडक्ट हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को देने हैं, बाकी प्रोडक्ट के लिए सलाह लेके ही देना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है। जी सर, ये कह रहे हैं सर कि एक पेशेंट है उसके 9 महीने के पेट में बच्चा है और उसको पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसके बाएं पैर में जैसे दर्द हो रहा है, ऐठन होती है, तो डेली इंजेक्शन लगवाती थी ताकत की, तो उससे उसको कोई रिलीफ नहीं मिला है। दर्द का समस्या, पैर में दर्द है, एक ही पैर में दर्द है सर और बाकी सब सही समस्या है। 9वां महीना तक तो बताती है कि जब मेरा डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक ये दर्द रहता है, ऐसा क्यों होता है सर? रोज कोई मेडिसिन है तो बताइए। देखिए सर, मैं एज इट इज अभी तो मैं कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, डॉक्टर रीटा से एक बार बात कर सकते हैं। मैं या तो आप बात कर लीजिएगा या मैं बात करके बता दूंगा, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में 100% कॉन्फिडेंट थी उसके बारे में जवाब दूंगा। ऐसा ऐसा दो पेशेंट आ चुके हैं सर। जी मैं बोलूंगा डॉक्टर रीटा से, वो भी इस प्रोग्राम को सुन रही होंगी, और मैं उनको बोलूंगा कि एक बार वो आपसे बात करके और प्रॉपरली आपको और समझाएंगी, और मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि एक ही पैर में हो रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो मैं कोई मतलब कोई भी तरीके के रिस्क लेना नहीं चाहता, तो मैं मैडम से कंसल्ट करके आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूंगा। जी सर चलिए और 2-3 सवाल लेते हैं। बहुत अच्छी, मैं बड़ा मतलब आई एम वेरी लकी एंड फीलिंग प्राउड कि डॉक्टर नेचर के लोग इतने सीरियस, आई एम वेरी हैप्पी कि 201 लोग मतलब ये क्वेश्चन आंसर पूरा सेशन खत्म हो गया है, क्लास खत्म हो चुकी है। जनरली क्या होता है कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं क्लास में, हम लोग 20 स्टूडेंट रहता कब घंटी बजे, कब हमारा मास्टर जाए, कब हम बाहर निकले, लेकिन यहाँ घंटी भी बज चुकी, एक पूरा घंटा पूरा हो चुका लेकिन फिर भी लोग हैं। सो रियली आई एम ग्लैड डॉक्टर नेचर के लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। जी और सवाल जी, विनोबर शर्मा जी। हाँ सर, नमस्ते नेचर जी। नमस्ते नेचर। सबसे पहले तो सर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हम भी 3 महीने से जुड़ा हूँ डॉक्टर TL विश्वकर्मा के सौजन्य से। जी जी। और आपके प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, अच्छे हैं। थैंक यू सर। हमें भी शुगर था और हमें रिस्पांस बढ़िया मिला। जी। और हम ये जानना चाह रहे हैं, ये कंसल्टेंट तो है नहीं लेकिन थोड़ा सा मेडिसिनल प्लांट का फार्मिंग करने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं हम लोगों का, हम भी एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं। आप सर तो कौन से एरिया में हैं, आप कौन सी जगह रहते हैं? हम प्रयागराज से ही बोल रहे हैं सर। एक्सीलेंट, मैं प्रयागराज आ रहा हूँ अभी और आप मिलिएगा, और वैसे भी मेरा नंबर सनी सिंह जी से या किसी से आप ले लीजिएगा, और मैं व्हाट्सएप पे ज्यादा कोई भी टाइम रिप्लाई कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो मैं 10 बजे 11 बजे सुबह भी जल्दी भी। तो आपका सर व्हाट्सएप नंबर हमें प्रोवाइड हो जाए तो अभी यहाँ मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा मेरा नंबर। हाँ हाँ, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ले लीजिएगा। और दूसरा, मैं प्रयागराज में संभावनाएं देखने आ रहा हूँ कि वहाँ कृषि में क्या संभावनाएं, हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारा एक यूनिट भी वहाँ पे हो, ये संभावनाओं की। सर हमने फार्मिंग कर रखा है, 6.5 बीघा में हमने फार्मिंग करता हूँ। डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे, और हमको तो चाहिए होती है, हेल्प की बात ही नहीं, हमें तो जड़ी बूटियां चाहिए होती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हम ठीक करेंगे। आप क्या जड़ी बूटी कर रहे हैं अभी वैसे फार्मिंग में? नहीं अभी सर हम इस पर नहीं कर रहे हैं, अभी तो सीड वगैरह ग्रो कराते हैं फाउंडेशन। आपके यहाँ पे जमीन कैसी है वो मैं आने का तो डिस्कस करूंगा। पत्थर चट्टा उगा सकते हैं आप, इंद्रायण उगा सकते हैं, निर्गुंडी उगा सकते हैं, सतावर की खेती आपके क्षेत्र में बहुत यहाँ पे यहाँ पे सर अकॉर्डिंग क्लाइमेट हम ग्रो करा लेंगे। हम सर वो फाइंड कर लेंगे कौन कौन से हम ग्रो कर सकते हैं। सर मैं जमीन के बारे में देखूंगा ना तो मैं बता दूंगा। और जो मेडिसिन का आपका जो है CMAP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिन प्लांट, वहाँ कुछ साइंटिस्ट है जो मेरे जूनियर है और मेरे मित्र है, तो उनसे भी मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा। वो आपको फ्री में मिट्टी का आपको जो है चेक भी कर देंगे, और वहाँ बीज वगैरह भी अच्छे क्वालिटी का ऑथेंटिक आपको जो औषधीय पौधों के बीज है वो भी उपलब्ध करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही हम चाह रहे हैं।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम तो 16 को है ना सर, कल तो 15 है, तो कल हाँ, तो मुझे आप कल निकलूंगा ना, तो 16 को फिर मैं मतलब 15 को नाइट में पहुंच जाऊंगा, 16 को हम प्रोग्राम करेंगे फिर वहाँ पे, मतलब आप करेंगे, हम तो मेहमान है आप जो हाँ बिल्कुल दोस्तों आप लोग हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आशीष जी सर जी, हाँ जी गुड इवनिंग सर, नमस्ते नेचर जी, नमस्ते नेचर। सर मेरा ये सवाल है, आज के सेशन में जो आपने हार्ट अटैक के लिए बोला था, तो मुझे 5 साल पहले अटैक आया था, 50% ब्लॉकेज थे और हाई बीपी था, बाद में मैं कंटिन्यूस बीपी की टैबलेट 4 से 5 साल तक लेते रहा। अब क्या हो रहा है कि 2-3 महीने पहले से मैंने अश्वगंधा चालू किया है, यकृजित चालू किया है, तो मुझे वो जो बीपी का फीलिंग आता है ना, फसीना आना, वो सब बंद हो गया है और मुझे है। जो डिप्रेशन था वो कम हो गया है, तो अभी मैं बीपी का टेबलेट बंद कर सकता हूँ? बीपी का टेबलेट बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमारा जो BP9 कैप्सूल आता है, थोड़े टाइम के लिए दिन में एक बार ले लीजिए सिर्फ, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप थोड़े दिन के बाद बंद कर देंगे। और हमारा टर्मरिक ड्रिंक मिक्स आता है, ठीक है, तो 1/4 चम्मच, यानी कि बहुत दिन चलेगा, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगी, सिर्फ 1/4 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, वो 1/4 आप सुबह सुबह गर्म पानी में मिला के ले लीजिए या फिर आप दूध में मिला के ले लीजिए। ऐसा करने से आपको कभी भी जिंदगी में बीपी की टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हार्ट की हेल्थ बहुत मजबूत हो जाएगी और डेफिनेटली हम लोग वेलनेस को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो आप दो प्रोडक्ट और ऐड कर दीजिए, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स और BP9 कैप्सूल दिन में एक बार, और सारे मेडिसिन जो भी चलते हैं सब बंद कर दीजिए। एलोपैथी, ओके ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू, वेलकम। चलिए अब लास्ट सवाल हम लोग ले लेते हैं, रेशमा जी भी कुछ पूछना चाह रही हैं मैडम। आवाज नहीं आ पा रहा है मैडम आपका, अनम्यूट करिए एक बार। अभी आ रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं। ओके सर, मेरा लड़का 20 इयर्स का है, उसको काफी टाइम से थ्रोट इन्फेक्शन का रेगुलर प्रॉब्लम होता है और डॉक्टर हमेशा बोलते हैं इसके ऊपर कुछ भी इलाज नहीं, वो एंटीबायोटिक देता है, उसको फीवर आता है, गले को सूजन आ जाता है सर, तो इसको क्या दे सकते हैं सर? चलिए बहुत अच्छा है, आपने एक थोड़े दिन पहले एक पेशेंट ने मुझे इसका रिव्यू दिया था कि उनको ये थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत सालों से था और अब ठीक हो गया, थैंक यू कहने के लिए फोन किया था उन्होंने। उन्होंने क्या यूज किया है, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स जो है हमारा, वो 1/4 चम्मच आप शहद में मिला के और उसको चाटना है, राइट, शहद में मिला के और उसको धीरे धीरे हमें चाटना है, ऊपर से हमें थोड़ा सा गर्म दूध या चाय, कुछ भी ठंडी चीज नहीं खानी है उसके बाद थोड़ी देर तक, एक तो ये करना है, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स जो है शहद में मिला के चाटना है, और दिन में 2 बार 2-2 चम्मच वासामृत और 2-2 चम्मच इम्यून प्लस, ये दोनों को एक जगह मिला के गर्म पानी के साथ में सिप कर करके 1 कप गर्म पानी के साथ में दिन में 2 बार पीना है, दिन में 1 बार टर्मरिक ड्रिंक मिक्स को शहद में मिला के चाटना है, ये ट्रीटमेंट रहेगा। हाँ सर, वासा अमृत और इम्यून प्लस दे रही हूँ सर, अभी टर्मरिक ड्रिंक ये करती। और एक सर पेशेंट ने अश्वगंधा का आपने काफी सारा बेनिफिट्स बताया कल, तो हम अभी हमारा न्यूली ज्वाइनिंग है, हम सजेस्ट कर रहे प्रोडक्ट, तो यकृजित और अश्वगंधा एक कॉमन ऐसा दे सकते हैं किसी को भी? बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, और जूस में कौन सा दे सकते हैं सर? जूस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी नहीं है तो भी हम डेली वेलनेस जूस दे सकते हैं। हाँ। और सेकंड ऑप्शन वीट बार्ले ग्रास है। ओके सर, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, वेलकम। ओके हाँ, चलिए कौन है, हाजी राम जी, हाँ जी हाजी राम जी, आपका माइक को एक बार अनम्यूट कर लो, आपका माइक बंद है। आपको बना ही रहना चाहता हूँ, जो काम आप कर रहे हैं सर बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। यूके के अंदर जो प्रोग्राम हुआ सर बहुत बढ़िया, मैं बधाई के लिए इतनी देर बैठा सर, अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो इसमें है ही है सर, बहुत शर्मा सर और हमारा पूरा गौतम सर,
खुशवाजी सो मच। और सर आप ही लोगों की वजह से ये यूके में जो सम्मान मिला वो आप ही लोगों को मिला है, मैं तो सिर्फ लेने गया था आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान के खड़े हैं ना तो ये मिल रहा है, बाकी तो बहुत जबरदस्त काम करे सर। इंडिया मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा सर आप जो कर रहे हैं, क्योंकि इतना सर ये करना ही चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ सर कि आज हम लोग डॉक्टर नेचर में लगभग लगभग 15,000 लोग हैं। अगर हम 15,000 लोग एक्टिवली हमारे देश को जागृत करने की तरफ काम करने लग जाएं, अगर डेली आधा घंटा भी हमारे बिजनेस के लिए नहीं लोगों को अवेयर करने के लिए खर्च करने लग जाएं, तो 15,000 × 30 मिनट राइट, उसको हम 365 डेज अगर कर दें तो देश में रेवोल्यूशन आ सकती है, क्रांति आ सकती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं तो आप हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के भगवान जैसे हैं। भगवान अरे नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम अगर सब मेहनत करें ना सर। मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन मैं भगवान के रूप में आपको देख रहा हूँ, जो काम आप कर रहे हैं दिल से और हर चीज एकदम परफेक्ट, उसी हिसाब से सर मैं बहुत। सर देखिए क्या होता है कि परफेक्ट का नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन कितना अच्छा कर पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ हम हर दिन सुधार की कोशिश करते हैं कि और बेहतर कर पाए, लोगों को हमारी वजह से नुकसान ना हो, लोगों का फायदा हो, ये कोशिश हमें करते रहना चाहिए। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हम चेंज ला सकते हैं। लोग बात करते हैं कि देखिए मैं पहले जब मैंने स्टार्ट करी थी कंपनी तो मैं लोगों को बोलता था कि एक पागल इंसान जिसने डिसाइड किया कि हम कोका कोला को पूरी दुनिया में लेके जाएंगे, तब लोगों ने कहा था पॉसिबल नहीं है यार, लोग एक कोल्ड ड्रिंक एक छोटा सा प्रोडक्ट है कैसे दुनिया में जाएगा। आज अमेरिका से लेके और गांव गांव तक एक छोटे से छोटे जगह पे भी कोका कोला एक मजदूर भी पीता है। तो हम एक अच्छी चीज को पिलाने के लिए हमारे देश के जो किसान ने मेहनत करी, वो आंवला वो एलोवेरा वो हल्दी वो गिलोय, अगर हम ये सपना देखते हैं कि पूरी दुनिया को हम पिलाएंगे तो क्या हम गलत करते हैं भाई? जब कोका कोला पिलाई जा सकती है तो हम क्यों नहीं पिला सकते? दुनिया में कोई काम ही नहीं सर, इतना जबरदस्त हो रहा है। और सर आई ड्रॉप्स के लिए लोगों को जरूर बोले, क्योंकि आई ड्रॉप्स का रिजल्ट इतना बेस्ट है कि इतना भी पहले सो दो ड्रॉप डालो उनकी टांगे हिलना चालू हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं सर। ग्रेट ग्रेट सर, बिल्कुल देखिए रिजल्ट है। हाजी राम जी, लेडीज के बारे में बोला कि उसको जो टांग का दर्द है, अगर एक ड्रॉप्स अगर आंख में डाल के थोड़ा हल्का सा हिला दे तो दर्द मतलब उसका एयर ब्लॉक होगा तो निकल सकता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया है आई ड्रॉप्स सर। देखिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आप लोगों से सीखते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली लोगों को प्रोडक्ट देते हैं। आई ड्रॉप के बारे में जो सर ने बताया मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है। आई ड्रॉप के बहुत अच्छे रिजल्ट है, और मैं देखता हूं कि प्रोडक्ट का सीरी आई ड्रॉप से सर, क्योंकि जब ड्रॉप डालने के बाद हमारा जो एयर है तो करीबन करीबन एकदम बढ़िया हो जाता है, और फिर बाद में सारे प्रोडक्ट बहुत काम करते हैं। ग्रेट ग्रेट, तो सब लोग ट्राई कर सकते हैं आई ड्रॉप। और डेफिनेटली हम लोग बहुत लंबा समय कंप्यूटर के सामने मोबाइल के सामने बिताते हैं, आज नहीं कल हमें चश्मा चढ़ना ही है, और जिन लोगों के नहीं चढ़ा है एटलीस्ट वो लोग अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए पैसा कहीं ना कहीं तो खर्चा करना पड़ेगा यार, हम लोगों को मजबूरी में करना पड़ेगा। लोगों ने 50-50 रुपए के मास्क खरीदे जो कि एक्चुअल में 2 रुपए का आता था, तो मजबूरी में वो तक लोगों ने लगाया। तो हम तो सिर्फ एक हेल्दी चीज सर बता रहे हैं कि आई ड्रॉप इतना बेनिफिट है, तो क्यों नहीं हम एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं अपनी दोनों आंखों में, हमारे बच्चों को डाल सकते हैं, बहुत लाभ हो सकता है, तो क्यों ना करें? बहुत लाभ सर, हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है, जैसे हार्ट अटैक आ रहा है कोई ब्रेन में गया है, मैं तो सर रोज मेरे पास में ऐसे ही मरीज आते हैं। और तुलसी है, तुलसी और ये दो चीज और कोलगेट, एक से बढ़कर एक डॉक्टर नेचर आई स्माइल टूथपेस्ट जी। ट्रमिक पाउडर तो सर जो जैसे सिकल सेल के लिए ट्रमिक पाउडर बहुत जबरदस्त हेल्दी वो ट्रमिक पाउडर सर, जिसका बॉडी सूख गया है, मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किया सर, जबरदस्त रिजल्ट। और मैं तो प्रोडक्ट तो छोड़ो सर, आप जो काम कर रहे हैं देश के लिए सर, थैंक यू सो मच सर। आप सब जैसे आप जैसे लोगों की वजह से ही डॉक्टर नेचर आज भारत में अपना काम कर पा रहा है, और ऐसा ही रहा आप लोग साथ में रहे तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जहां पे इस तरह की जूम मीटिंग के लिए टेक्नोलॉजी कुछ को इस तरीके से अपग्रेड करना पड़ेगा। कि मेरा सपना है कि एक दिन 1,00,000 लोगों की जूम मीटिंग को मैं प्रेजेंट करता रहूं, और अमेरिका में 3.5 लाख लोगों की डॉक्टर नेचर की सेमिनार हो जिसमें डॉक्टर नेचर के 100 क्राउन प्रेसिडेंट स्टेज पे खड़े हों, वो मेरे जिंदगी का आखिरी दिन भी हो तो मुझे अफसोस नहीं होगा। और जब तक ये दिन नहीं आ जाता जब तक मैं लगातार काम करता रहूंगा, चाहे 24 घंटे काम करना पड़े। बहुत जल्दी सर ये सपना हमारा पूरा होगा, क्योंकि मतलब कोई इसमें वो नहीं है। थैंक यू सो मच।
और हम आज के लिए विदा लेते हैं आपसे, और कल हम प्रयागराज में होंगे। आप 16 तारीख को ऑनलाइन बहुत सारे लाइव देख पाएंगे फेसबुक पे, जो कि जबरदस्त एनर्जी, क्योंकि वहां की जो टीम है प्रयागराज की आप सब जानते हैं, वहां एक पावर हाउस बैठा हुआ है एक इंसान जिसका नाम है सनी सिंह जगी, और दूसरे हमारे पावर हाउस है अजीत कुमार सिंह, और वहां के और जो लीडर्स हैं दीपिका जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, अनिल विश्वकर्मा है, ये सारे लोग बहुत ही डायनामाइट हैं। मतलब वो पता एनर्जी से भरे रहते हैं कि मुझे तो खुद डर लगता है कि यार ये लोग ऑलरेडी इतने एक्साइटेड हैं, तो उनकी सेमिनार करने जा रहा हूं तो मुझे भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कल मैं वहां रहूंगा और परसों आप सेमिनार देख पाएंगे, और कल आप सब लोगों की तरफ से जब मैं प्रयागराज पहुंच जाऊंगा तो सब लोगों की तरफ से मैं डुबकी लगा के सब लोगों के लिए बहुत सारे आशीर्वाद और दुआएं मांगने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू एवरीवन। आप लोग बहुत कमिटेड हैं, बहुत सीरियस हैं, आप लोग जिस तरीके से डॉक्टर नेचर में काम कर रहे हैं, अगर ऐसा ही काम करते रहे, ऐसा ही प्यार हमको देते रहे, तो डेफिनेटली डॉक्टर नेचर विल बी नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, और डेफिनेटली हमारा जो सपना है नंबर वन बनने का तो सपना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों में गिनती होनी चाहिए कि जिन लोगों ने आयुर्वेद को दुनिया में नंबर वन बनाया उसमें हमारा नाम आए तो ज्यादा हमें खुशी होगी। टर्नओवर हमारा जो रहे वो तकलीफ नहीं है, हमारा मुद्दा यही है कि हम हमारे देश के लाखों किसानों के लिए रोजगार पैदा कर पाए। हमारा किसान गांव में जिस दिन मर्सिडीज चलता हुआ नजर आ जाए और वो कहे कि डॉक्टर नेचर को मैं जड़ी बूटियां सप्लाई करता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी, और यही हमारी सारी इच्छाएं हैं जो मैं आज बोल रहा हूं। संजय मेहता जी, बहुत सारे लोग, ये सारे लोग बहुत बिजी हैं, ये रूबी डायरेक्टर्स हैं, डायमंड बनने वाले हैं, उसके बावजूद आप देखिए इनके सीरियसनेस कि पहले सेकंड से लेके और अभी तक लास्ट तक लगातार जुड़े हुए हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। आप सोच के देखिए कि क्या आपको कुछ नुकसान हुआ आज इस मीटिंग में, आपने एक घंटा डेढ़ घंटा मेरे साथ दिया, तो आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आपका कोई भी नुकसान हुआ, क्या आपका समय बर्बाद हुआ। अगर आपकी टीम के लोग अगर और आते, देखिए 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से सिर्फ 200-250 लोग आते हैं, क्या हम इसके लिए पैसा ले रहे हैं? क्या मेरी एनर्जी भी क्या महत्वपूर्ण नहीं होगी? क्या मुझे समय देना नहीं पड़ रहा होगा? राइट, मैंने भी रात में बैठ के आपके लिए स्लाइड बनाई, कल मुझे प्रयागराज जाना है उसके लिए मुझे आज रात में स्लाइड बनानी है, फिर डॉक्टर पंकज तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर रीटा तैयारी कर रहे हैं, ये सब हम लोग क्यों करते हैं? राइट, क्योंकि हमें तो मजा आता है, लेकिन आप लोगों को देख के ये मजा और बढ़ जाता है। तो और लोगों को लेके आइएगा, और लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो, और लोग हमारे साथ जुड़े। हम जुड़ने से हमें कोई पैसा की बात नहीं है कि हमें पैसा आ जाएगा आप सेमिनार में आएंगे या डॉक्टर नेचर में आईडी लग जाएगी तो कोई डॉक्टर नेचर को कोई पैसा मिलता होगा। डॉक्टर नेचर को चलाने के बहुत सारे कारण है, जिस दिन ये कारण आप लोगों को समझ में आ गए या और लोगों को समझ में आया तो आपको इन मीटिंग्स में आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू सून, थैंक यू।